हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। आज का लेक्चर जो है थोड़ा हमारा डिफरेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि मेरे से एक टॉपिक छूट गया था जो RRB 2021 जो GK की किताब हम कवर कर रहे थे यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की, तो उस टॉपिक में हमने ज्योग्राफी को कवर नहीं किया था दोस्तों। और कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ज्योग्राफी को कवर किया जाए, तो फाइनली उसके ऊपर मैं लेक्चर बना रहा हूँ। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सारा कुछ कवर हो चुका है ऑलरेडी, जो है वीडियोस अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। टुडे जो है ज्योग्राफी का वीडियो रहेगा, और आप घबराइएगा मत, क्योंकि हमारी जो रुक्मिणी की जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की सीरीज वो जारी रहेगी। इन बिटवीन मुझे इस वीडियो को लाना पड़ा है क्योंकि कई सारे बच्चों के एग्जाम्स अभी इस वीक एंड में होने वाले हैं, तो एटलीस्ट उनको एक 3-4 दिन का भी टाइम मिल जाए तो ये वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को इन बिटवीन लाने का सोचा है, और इस जैसे ये वीडियो हो जाता है उसके बाद हम रुक्मिणी करंट अफेयर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट आई थिंक वो उसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, तो आज कल में मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देरी हो चुकी है इस टॉपिक को लाने में और कई सारे बच्चे जो है पढ़ना भी बाकी हैं। तो बस एक ही गुजारिश है आपसे कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हम लोगों को इतना प्यार दिया, हम लोगों को इतना जो है कॉमेंट्स के जरिए से आप हम लोगों की तारीफ़ करते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके कॉमेंट्स पढ़ते हैं। तो इसी तरह जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड बात कर रहा है दोस्तों। ओके, सो व्हाट इज़ द नॉर्थ सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन ए कन्याकुमारी है। ओके, कन्याकुमारी इज अ सदर्न मोस्ट एंड ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया, इट इज़ अ साउथ ऑफ द तमिलनाडु प्रोविंस, इट कॉन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, और पंबन आइलैंड जो है ये पेनिनसुलर इंडिया और श्रीलंका में सिचुएटेड है। कहाँ पे सिचुएटेड है? पेनिनसुलर इंडिया और श्रीलंका में। दिस आइलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड रामेश्वरम आइलैंड। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, इंडिया डैश इज डिवाइडेड इंटू ज्योग्राफिकल रीजन्स की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों। दैट इज कितने रीजन्स हो गया? 6 रीजन्स में। ओके, द ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 6 पार्ट्स, हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन डी मणिपुर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज ड्रॉन एट लैटिट्यूड 23.5 degrees पैरेलल टू द इक्वेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर इज पासिंग थ्रू द ऑलमोस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, डिवाइडिंग इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कहाँ कहाँ पे पास होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दोस्तों डैश डिवाइड्स द इंडिया लैंड मोस्ट इंटू टू पार्ट्स की बात करें तो ऑप्शन बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो मिजोरम से पास होता है, ना कि मणिपुर से, याद रख लीजिए। और ये जो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया इज कम्प्लीटली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ? कौन से पार्ट ऑफ अर्थ में इंडिया कम्प्लीटली लोकेटेड? ऑप्शन ए हो गया दोस्तों। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैटिट्यूडली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर लॉन्गिट्यूडली, याद रख लीजिए। लैटिट्यूड अगर बात करें तो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 8 degrees 4 minutes नॉर्थ टू 37 degrees 6 minutes नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 degrees 7 minutes टू 97 degrees 20। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा जो है लास्ट वीडियो अचानक से स्टॉप हो गया था बिकॉज मेमोरी स्टोरेज नहीं थी सिस्टम पे, तो इसलिए मैंने फिर क्लीन करके दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, इंडिया इज डैश डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर? ऑप्शन सी 8 degree, याद रख लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज अ कंट्री इन द साउथ एशिया, इंडिया लाइज ऑन द इंडियन प्लेट एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। द कंट्री सिचुएटेड ऑन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर बिटवीन 8 degrees 4 minutes नॉर्थ टू 37 degrees 6 minutes नॉर्थ लैटिट्यूड, 68 degrees 7 minutes ईस्ट टू 97 degrees 25 minutes ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, नेक्स्ट, वेर इज द इंदिरा पॉइंट? द सदर मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन टेरिटरी की बात करें तो ऑप्शन बी ग्रेट निकोबार आइलैंड हो गया। ओके, इंदिरा पॉइंट इज द सदर मोस्ट पॉइंट एंड द लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड विच आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन। ओके, द सदर मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया की बात करें तो ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, याद रख लीजिए। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि विच इज़ द सदर मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड, अगर मेनलैंड आपको क्वेश्चन में पूछे तो ऑप्शन ए कन्याकुमारी होता है दोस्तों। वही अगर यहाँ पे इसने पूछा है कि सदर मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, मेनलैंड बोल के मेंशन नहीं है यहाँ पे, पूरे इंडिया का अगर पूछे तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट इंडिया सदर मोस्ट पॉइंट इज लोकेटेड एट द डैश टिप ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड की बात करें तो नॉर्दर्न टिप। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर सिचुएटेड अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट लाइन्स? ऑप्शन ए 9 states और 5 union territories। कौन से है वो? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, ये भी पूरा एक ही हो गया है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड पुडुचेरी। दोस्तों आई होप आपको याद रहेगा ये
स्टेट्स याद रख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र। अगर आपने वेस्ट से लेकर ईस्ट तक अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आसानी होगी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट इंडियन स्टेट की बात करें तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। इट अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ टिबेट इन द नॉर्थ, ऑन द ईस्ट इज म्यांमार, असम फॉर्म्स अ सदर्न बाउंड्री। ए कोस्टल बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश इज कनेक्टेड टू ऑप्शन ए बे ऑफ बंगाल, दट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एंड विच स्टेट इज अ बॉर्डर ऑफ भूटान, चाइना एंड म्यांमार कनेक्टेड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, इट इज इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री इज कनेक्टेड बाई भूटान, चाइना से कनेक्ट होता है, म्यांमार से कनेक्ट होता है। ओके और इसको स्टेटस जो मिला था स्टेट का दर्जा इसको दिया गया था 1987 में। विच ऑफ दिस सिटीज हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया सिचुएटेड, ऑप्शन डी चेन्नई दोस्तों। द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, मेरीना बीच लोकेटेड इन चेन्नई सिटी ऑफ तमिलनाडु स्टेट, विच इज पॉपुलर अमॉन्ग द विजिटर्स बिकॉज वॉचिंग द सनसेट फ्रॉम हियर गिव्स अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट इज बॉर्डर बाई द अरेबियन सी, ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात स्टेट बॉर्डर इज कनेक्टेड टू अरेबियन सी, द स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ अ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमॉन्ग द इंडियन स्टेट, वेल द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और कनेक्टेड टू द बे ऑफ बंगाल। वेस्ट बंगाल डैश शेयर द बॉर्डर विथ हाउ मेनी कंट्रीज, ऑप्शन डी। सो वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, द स्टेट फॉर्म्स अ टेरिस्ट्रियल बॉर्डर विद दिस कंट्री, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल शेयर द बाउंड्री विद फाइव स्टेट्स ऑफ इंडिया, ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम एंड आसाम। क्लियर। सो नेक्स्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ एरिया, कौन सा है लार्जेस्ट, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है दोस्तों। ओके पहले रशिया, बाद में कनाडा, बाद में चाइना, अमेरिका, ब्राजील आता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है हमारा रैंक आता है दोस्त इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इस बॉर्डर विथ नेपाल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, क्योंकि उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम भी शेयर करता है, राइट, वेस्ट बंगाल भी शेयर करता है, यूपी भी शेयर करता है, राइट। सो हिमाचल प्रदेश शेयर नहीं करता दोस्त, हिमाचल प्रदेश के नहीं करता। एंड नेक्स्ट है टू द ईस्ट ऑफ द इंडिया इज अ नाइबरिंग कंट्री, कौन सी है, तो बांग्लादेश है। इंडिया शेयर्स इज बॉर्डर विद द सेवन कंट्रीज, एक तो अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान जो कि नॉर्थ वेस्ट में बसे हुए हैं, चाइना, भूटान, नेपाल नॉर्थ में है, आपने देखा होगा मैप, म्यांमार जो है फार ईस्ट आता है जहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश, कई सारे स्टेट्स वहाँ पे बॉर्डर करते हैं, बांग्लादेश आपको ईस्ट पे देखने को मिलता है। इन द इंडियन ओशन लाइज द मालदीव्स इन द साउथ वेस्ट, श्रीलंका आपको साउथ में है। फिजिकल बाउंड्री ऑफ इंडियाज नॉर्थ इज बॉर्डर बाय हिमालयस, साउथ में आपको ओशन है। ओके बे ऑफ बंगाल को ईस्ट में है और वेस्ट में अरेबियन सी है दोस्तों। इन विच डिसेक्शन इज अ बे ऑफ बंगाल लोकेटेड, दट इज ऑप्शन ए ईस्ट। द बे ऑफ बंगाल इज कलेक्टेड टू इंडियन ओशन इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, इन द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल इज सराउंडेड बाय म्यांमार एंड अंडमान निकोबार ऑफ इंडिया। द बे ऑफ बंगाल हैज़ 21,72,000 किलोमीटर एरिया है दोस्तों, कितना 21,72,000 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू एशियंट हिंदू टेक्स्ट इट वॉज कॉल्ड महाधती, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है याद रख लीजिए, इसको महाधती भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इज बॉर्डर विद पाकिस्तान, ऑप्शन सी हरियाणा। ओके पाकिस्तान से कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ओके जम्मू कश्मीर हो गया, एंड सो द हरियाणा डज नॉट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, याद रख लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नेबर ऑफ इंडिया, और दट इज ऑप्शन डी नेपाल हो गया दोस्तों। इंडिया बॉर्डर्स विद सेवन कंट्रीज, देर कंट्रीज आर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। ओके एंड विच ऑफ दिस कंट्रीज डज नॉट शेयर इंडिया बॉर्डर की बात करें तो तजाकिस्तान दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश, दट इज ऑप्शन डी झारखंड। इंडियन स्टेट ओके शेयर द बॉर्डर विद बांग्लादेश, दट इज वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वन ऑफ द इंडियाज नेबर की बात करें तो ये भी बांग्लादेश हो गया दोस्तों, बिकॉज इंडिया हैज़ ए सेवन टेरिस्ट्रियल नेबर्स। ओके सेवन टेरिस्ट्रियल नेबर्स फॉलोइंग बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो कि 4,096 किलोमीटर है। अफगानिस्तान शेयर टू मिनिमम बॉर्डर 106 किलोमीटर। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेबरिंग स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ए मेघालय दोस्तों। वेस्ट बंगाल शेयर्स द बॉर्डर विद द स्टेट्स ऑफ झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा, असम, बिहार। द स्टेट बॉर्डर ऑफ मेघालय इज ऑल्सो विद असम एंड द इंटरनेशनल बॉर्डर विद द बांग्लादेश दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बॉर्डर्स विद भूटान की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, अरुणाचल मीन्स द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ओके एंड द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन जॉइन असम इन द साउथ, नागालैंड इन द साउथ ईस्ट, म्यांमार इन द ईस्ट एंड भूटान इन द वेस्ट। इट वॉज फॉर्म इन 28 February 1987 एंड इट्स कैपिटल इज ईटानगर दोस्तों। सो थोड़ा जूम कर लेते हैं, रुको एक बार। सो मैकमोहन लाइन इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, दैट इज ऑप्शन इज चाइना। मैकमोहन लाइन इज अ लाइन इन द डिमार्केशन लाइन बिटवीन द टिबेट रीजन ऑफ चाइना एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, साइन बिटवीन द ब्रिटिश कॉलोनियल रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रपोज बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर हेनरी मैकमोहन एट द शिमला कॉन्फ्रेंस। विच सी इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन डी अरेबियन सी। द नॉर्थ मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर, सदर्न स्टेट इज तमिलनाडु, वेस्टर्न स्टेट इज गुजरात,
ईस्टर्न स्टेट जो है आपको अरुणाचल प्रदेश, ओके ओके जम्मू कश्मीर वॉज गिवन द यूनियन टेरेटरी स्टेटस इन 2019, अभी तो यूनियन टेरेटरी स्टेटस दे दिया गया है। सो पहले क्वेश्चन था 2018 का में पूछा गया, द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज, कौन से पेनिनसुलर इंडिया का पूछ रहा है, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेन लैंड कन्याकुमारी है, वेल द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट सी बॉर्डर विद इंडिया, एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बिन रिमूव्ड आई थिंक, मेरे ख्याल से RRB ने निकाल दिया गया है इसको। देखिए मैं पहले क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था कि सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर आप मेन लैंड इंडिया अगर पूछे तो कन्याकुमारी है, वही अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पूछे तो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। ओके यहाँ पे दोनों ऑप्शंस दिए हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं किया गया है, बट कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिएगा। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ डैश ट्राइंगुलर शेप, दैट इज ऑप्शन ए पेनिनसुला। ओके द सदर्न इंडिया इज अ पेनिनसुला इन द शेप ऑफ वास्ट इन्वर्टेड ट्राइंगल बाउंडेड बाई थ्री साइड्स, ऑन द वेस्ट बाय द अरेबियन सी, ऑन द ईस्ट बाय द बे ऑफ बंगाल, एंड नॉर्थ बाय द विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस। सो विच इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन बी कुटनाड, कुटनाड इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इट इज अ रीजन दट कवर्स अलफुजा कोटायम पठानमिट्टा डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ केरला। वट इज द नेम ऑफ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है इसको हम मैक मोहन लाइन कहते हैं दोस्तों। ओके सो मैक मोहन लाइन इज अ लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर, दुरन लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान, रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान, 24th पैरल लाइन की बात करें तो इंडिया एंड पाकिस्तान है। ओके द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड ऑप्शन बी मैक मोहन लाइन, याद रखिएगा। ओके सो ऑप्शन बी मैकमोहन लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दट इज ऑप्शन डी रेड क्लिफ लाइन। ओके सो द बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान नोन एज रेड क्लिफ लाइन केम इन टू अवर फोर्स ऑन 17th August 1947। इंडिया एंड द टेरिस्ट्रियल रीजन ऑफ अर्थ शेयर ऑफ ऑप्शन बी 2.4%। सो एरिया ऑफ इंडिया की बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज 2.43% ऑफ द ग्लोबल एरिया। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया दोस्तों। IST दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड्स टाइम इज हाउ मेनी मिनट्स अहेड वेन कम्पेयर टू द पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, तो ऑप्शन डी 30 मिनट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एट 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू मिर्जापुर नियर अलाहाबाद UP एंड पाकिस्तान इज 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, हेंस ओके सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 30 मिनट्स अहेड ऑफ पाकिस्तान, एक्चुअली आवर बोल रहा हूँ मैं। ओके सो हमारा जो 5.5 घंटे अहेड है ग्रीनविच टाइम से, तो इसलिए हम आधा घंटा 30 मिनट्स उनसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार, दट इज ऑप्शन ए असम। असम इज सराउंडेड बाय द 7 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। असम डज नॉट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार। हाउ मेनी कंट्रीज मीट इंडियाज वाटर लाइन की बात करें तो कितने कंट्रीज हैं, दट इज ऑप्शन डी दोस्तों, याद रख लीजिए। इंडियाज वाटर लाइन ज्वाइन 7 कंट्रीज, पहला मालदीव्स, दूसरा श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। विच कंट्री शेयर्स इज बॉर्डर विथ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन सी म्यांमार है दोस्तों। और कौन से इंडियन स्टेट जो म्यांमार को बॉर्डर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। विच गल्फ डिवाइड्स इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन डी पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट इज इन द बे ऑफ बंगाल बिटवीन सदर्न ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका। इट इज बाउंडेड ऑन द साउथ बाय द पंबन आइलैंड। द विथ ऑफ द स्टेट इज अबाउट 53 to 80 किलोमीटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट बॉर्डर डज नॉट टच इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो ऑप्शन बी हरियाणा दोस्तों। हरियाणा बॉर्डर डज नॉट टच इंटरनेशनल बॉर्डर, इट्स बॉर्डर टचेस विद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, बिहार एंड गुजरात दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। हरियाणा कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर को टच नहीं करता। कई लोग समझते होंगे कि हरियाणा पाकिस्तान से टच होता है, बट इट्स रॉन्ग। विच कंट्री हैज़ अ लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया की बात करें, दैट इज ऑप्शन बी बांग्लादेश दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे हैं 4,096 किलोमीटर जो है इसकी बॉर्डर लाइन है इंडिया के साथ। चाइना देख लेते हैं 3,488 किलोमीटर्स, पाकिस्तान 3,223 किलोमीटर्स, नेपाल 1,751, म्यांमार 1,643, भूटान 699 और अफगानिस्तान जो सबसे छोटी बॉर्डर शेयर करते हैं 106 किलोमीटर। विथ होम डज ए बांग्लादेश हैव ए टेरिस्ट्रियल बॉर्डर, ऑप्शन बी इंडिया एंड म्यांमार। टेरिस्ट्रियल बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश मीट्स इंडिया एंड म्यांमार दोस्तों। ओके ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया, माउंटेन पीक के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। सो इज ए माउंटेन रेंज, ओके सो माउंटेन रेंज दैट ऑलमोस्ट पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला एंड हैज़ ए 8 ऑफ वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट हॉटस्पॉट समटाइम्स कॉल्ड ग्रेट स्लोप ऑफ, कहाँ पे है ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट्स है दोस्तों। ओके सो द माउंटेन रेंज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स ऑफ सह्याद्रीस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड एंड इन दिस इट इज रैंक 8th इन द वर्ल्ड। इट एक्सटेंड द बॉर्डर ऑफ द गुजरात एंड महाराष्ट्र टू कन्याकुमारी। इन 2012 यूनेस्को हैज डिक्लेयर वेस्टर्न घाट्स एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। डैश फॉर्म ए वॉल इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन बी नॉर्दर्न माउंटेन।
नॉर्दर्न माउंटेन फॉर्म ए वॉल इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. द माउंटेन रेंज मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल रेंजेस. क्या क्या है? एक तो हिमालय है, दूसरा मिडिल हिमालय और तीसरा शिवालिक है दोस्तों. अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ फोर्थ एंड मोस्ट नॉर्दर्न रेंजेस कॉल्ड ट्रांस हिमालयस. द हिल बेल्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया ऑफ मेघालय वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ असम. द मेघालय हिल बेल्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ असम. मेघालय लिटरली मीन्स हाउस ऑफ क्लाउड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रख लीजिए. मेघालय को हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट. ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, याद रख लीजिए. हाउस ऑफ क्लाउड्स मेघालय कहते हैं, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट को भी मेघालय कहा जाता है. 1970 में मेघालय को एक ऑटोनोमस स्टेट दिया गया बाय कटिंग गारो खासी एंड जयंती हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. ओके, एंड इट वॉज गिवन ए फुल स्टेटस ऑन 1972. द सदर्न पार्ट ऑफ द थ्री माउंटेनियस रीजन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया इज द आउटर हिमालय, इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्शन ए शिवालिक. ओके, जो आउटर हिमालय कहते हैं इसको हम शिवालिक्स भी कहते हैं दोस्तों. इनकी जो रेंज होती है एलिवेशन वो 850 से 1200 मीटर तक होती है दोस्तों. ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज द हाइएस्ट पीक ऑफ माउंटेन इज नोन एज गुरु शिखर. ऑप्शन सी अरवली माउंटेन रेंज. द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द अरवली रेंज इज कॉल्ड गुरु शिखर. ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन है. द अरवली रेंज वॉज फॉर्म्ड इन द प्री कैम्ब्रियन पीरियड. गुरु शिखर की हाइट जो है अगर आप देखेंगे तो 1722 मीटर है. हाइएस्ट पीक ऑफ विद्या माउंटेन रेंज इज सद्भवन शिखर. हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अन्नाईमुड़ी जो अन्नामलाई हिल में है. एंड हाइएस्ट पीक ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज की बात करें तो धूपगढ़ में है दोस्तों. धूपगढ़ विंध्या रेंज, सद्भवन, सतपुरा, धूपगढ़, वेस्टर्न घाट, अन्नाईमुड़ी. ओके, एंड अरवली का गुरु शिखर. विच ऑफ दिस हाईएस्ट पीक ऑफ अरवली हिल्स अगेन गुरु शिखर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गुरु शिखर इज पीक लोकेटेड. ऑप्शन डी राजस्थान में है दोस्तों, याद रख लीजिए राजस्थान. नीलगिरी हिल्स इज ऑल्सो नोन बाय विच नेम. ऑप्शन डी ब्लू माउंटेन. नीलगिरी हिल्स फॉर्म ए माउंटेन रेंजेस ऑफ तमिलनाडु स्टेट साउथ ईस्टर्न इंडिया. दोड़ाबेट्टा एक हाईएस्ट पॉइंट इन नीलगिरी रेंज, याद रख लीजिए. नीलगिरीज आर ऑप्टली कॉल्ड एज ब्लू माउंटेन फॉर द ब्लूइश इन द फाइन नेचुरल सेटिंग. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द शेवरा हिल्स लाई. ऑप्शन डी तमिलनाडु दोस्तों. ओके, शेवरा हिल्स पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट एक्सटेंड अप टू सेलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज अ टागोर हिल लोकेटेड. ऑप्शन बी है रांची. कौन सा? ऑप्शन बी, सॉरी डी नहीं, ऑप्शन बी रांची. द टागोर इज ऑल्सो नोन एज मोराबाड़ी हिल्स. इट इज लाइस इन मोराबाड़ी रांची झारखंड. इट इज 300 फीट हाई दोस्तों. कितना फीट? 300 फीट हाइट. ओके, नेक्स्ट द हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट आर कॉल्ड ऑप्शन बी पूर्वांचल. आफ्टर ए दिहांग गॉज द हिमालय टर्न साउथ एंड डिटरमाइन द ईस्टर्न बॉर्डरी ऑफ इंडिया. दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कॉल्ड ईस्टर्न ऑफ द पूर्वांचल. इट इज अ पार्ट ऑफ दफला, अबोर, मिसमी, पटकाई, गारो, खासी, जयंता एंड मिजो हिल्स. विच इज़ द न्यूएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया की बात करें तो हिमालय है. ओल्डेस्ट माउंटेन अगर आप पूछे तो अरवली है, याद रख लीजिए. हिमालयन जियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. दिस इज न्यू माउंटेन रेंज विच वॉज फॉर्म इन द टेरिटरी एरिया बाय कन्वर्जेंस ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन प्लेट. जब इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट दोनों का कन्वर्जेंस हुआ है, ओके, तो उसके वजह से जो है इस स्ट्रक्चर का फॉर्म हुआ है दोस्तों. एंड इट्स ए न्यूएस्ट माउंटेन. खासी गारो एंड जयंता हिल्स आर लोकेटेड इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन ए मेघालय. इंपॉर्टेंट है खासी गारो जयंता हिल्स लोकेटेड इन मेघालय. ओरिजिनली हैबिटेड बाय खासी गारो एंड जयंता ट्राइब्स. ओके, एंड दिस हिल्स आर नेम्ड एज दिस ट्राइब्स. दिस हिल्स आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू विच इज सेपरेटेड बाय राजमहल गारो गैप. ओके, तो ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है. इसको कौन सेपरेट किया? राजमहल गारो गैप. ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लीजिए. इंडिया टालेस्ट पिक कंचनजुंगा लोकेटेड इन ऑप्शन डी सिक्किम, याद रख लीजिए. कंचनजुंगा इज हाइएस्ट पीक ऑफ इंडिया. इट इज सिचुएटेड इन सिक्किम एंड इट्स थर्ड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट वॉज मेड बाय सी लेवल ऑफ अप्रॉक्सिमेटली ऑप्शन ए 2900 मीटर्स. ओके, द माउंट एवरेस्ट इज हाइएस्ट पीक माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड विद हाइट ऑफ 8848 मीटर्स. माउंट एवरेस्ट इज मेजर 2900 फीट. ओके, साइंटिफिक सर्वे आर सेट टू हैव एलिवेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर एनम राइजिंग दोस्तों. गुरु शिखर द पीक ऑफ अरबुडा माउंटेन्स ऑफ डैश इज हाइएस्ट पॉइंट इन अरवली माउंटेन रेंज दट इज राजस्थान. ये अपने हम भी पढ़ा था ना, ऑप्शन सी राजस्थान. सो नेक्स्ट, विच माउंटेन रेंज इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेंज ऑफ द मेन माउंटेन्स ऑफ इंडिया. ऑप्शन है हिंदू कुश, याद रख लीजिए. हिंदू कुश माउंटेन रेंज सिचुएटेड बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में, बट हमारे इंडिया के जो हाईएस्ट माउंटेन्स हो तो उसमें इसकी गिनती नहीं होती है. ओके, एंड माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन ऑप्शन सी नेपाल. ओके, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में इज हाईएस्ट माउंटेन जिसकी हाइट आपने अभी अभी देखा कि 8848 एंड इज सिचुएटेड इन एज नेपाल में क्या कहते हैं इसको? सागरमाथा कहते हैं दोस्तों, सागरमाथा. ओके, एंड द टिबेट इज नोन एज चोमोलुंगमा द क्वींस ऑफ माउंटेन्स. टिबेट में क्या कहते हैं इसको? चोमोलुंगमा, दैट इज क्वींस ऑफ माउंटेन. विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया. कौन सा जो है सबसे पुराना माउंटेन रेंज माना जाता है? दैट इज ऑप्शन ए अरवली. मैंने आपको अभी अभी बताया था सबसे पुराना रेंज किसे कहते हैं? अरवली को कहते हैं. और अरवली का हाइएस्ट पीक किसे कहते हैं दोस्तों? ये गुरु शिखर को कहते हैं. ओके,
जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में है। व्हाट इज गुरु शिखर? गुरु शिखर इज हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज एंड विच इज हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन डी अन्नाई मुड़ी है दोस्तों। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज अन्नाई मुड़ी, इट्स जंक्शन ऑफ थ्री हिल्स, ओके, दैट इज कार्डमम हिल्स ऑन द साउथ, अन्नामलाई हिल्स इन द नॉर्थ एंड पलन हिल्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट। याद रख लीजिए हाईएस्ट पीक अन्नामुड़ी। व्हाट इज द कंचनजुंगा माउंटेन? कंचनजुंगा माउंटेन इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट कंचनजुंगा इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। इट्स हाइट इज 8,586 मीटर्स। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सिक्किम ऑन द नेपाल बॉर्डर। व्हाट इज द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सब टॉपिक अगर बात करें तो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक बार देख लेते हैं इस लेक्चर में। सो नॉर्दर्न प्लेन्स इज सिचुएटेड इन द डैश ऑफ हिमालयस, ऑप्शन बी साउथ ऑफ हिमालयस। दोस्तों द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड। द वास्ट प्लेन ऑफ द इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड बाय थ्री मेजर रिवर, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड ट्रिब्यूटरीज। एरिया इसका कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ हिमालयस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मेन टोपोग्राफिक रीजन ऑफ नेपाल की बात करें तो डक्कन है दोस्तों, क्योंकि डक्कन साउथ में आता है ना, ओके। एंड द मेन टोपोग्राफिक एरिया ऑफ नेपाल डू नॉट कंटेन डक्कन प्लेटू, इट इज ऑल्सो नोन एज वास्ट पेनिनसुलर प्लेटू। इट इज द लार्जेस्ट प्लेटू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। द मेन लैंड ऑफ साउथ इंडिया सिचुएटेड ऑन दिस प्लेटू। नेक्स्ट है प्लेटू से रिलेटेड क्वेश्चंस। विच माउंटेन रेंज इज ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ द डक्कन प्लेटू की बात करें तो ऑप्शन डी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। दोस्तों द डक्कन प्लेटू ऑल्सो नोन एज ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटू, दिस प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर, इट्स नॉर्थ बाउंड्री इज डिटरमाइंड बाय सतपुरा विध्यांचल माउंटेन रेंज एंड द ईस्ट एंड वेस्ट बाउंड्री डिटरमाइंड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स रिस्पेक्टिवली। दिस प्लेटू इज स्प्रेड ओवर द 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया दोस्तों। उसके बाद है पासस के ऊपर क्या क्वेश्चन आया था, टू हुम डज द खैबर पास कनेक्ट पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान। खैबर पास इज अ हिस्टोरिकल पास इन द वाइट कोट माउंटेन रेंज ऑफ हिंदू कुश बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान एंड काबुलिस्तान प्लेन ऑफ अफगानिस्तान थ्रू आउट द हिस्ट्री। इट हैज बीन एन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पास ऑफ द जास्कर बॉर्डर ऑफ जम्मू कश्मीर, द रोड फ्रॉम श्रीनगर टू लेह पासस थ्रू, इट इज फॉर्म्ड बाय इंडस रिवर, आइडेंटिफाई द पास, ऑप्शन इज जोजिला पास। सो जोजिला पास इज लोकेटेड इन द जास्कर रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द हाईवे गोइंग फ्रॉम श्रीनगर टू लेह पास यहीं से जाता है दोस्तों। इट्स एलिवेशन इज 3,529 मीटर्स अबव द सी लेवल एंड मना इज अ विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चमोली इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड जो कि 3,200 मीटर्स आल्टीट्यूड पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ कारदुंगला माउंटेन पास लोकेटेड, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। कारदुंगला माउंटेन पास लोकेटेड इन द लद्दाख, दिस कनेक्ट्स शयोक एंड नुब्रा वैली, द अदर लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, जोजिला, करोक्रम, पीर पंजल एंड बनिहाल। इन विच कंट्री इज अ बोलान पास लोकेटेड, ऑप्शन सी पाकिस्तान है दोस्तों। याद रख लीजिए कारदुला कहाँ पे है, कारदुला जम्मू कश्मीर में है, ये जोजिला भी जम्मू कश्मीर का ही है, बट बोलांग जो है आपको पाकिस्तान का है। बोलांग पास लोकेटेड इन पाकिस्तान, दिस पास इज अ मेजर पास ऑफ बलूचिस्तान इन द वेस्टर्न पाकिस्तान विच कनेक्ट्स क्वेटा एंड पाकिस्तान खकर। द बोलान पास ये आपको ट्रेडर्स यूज करते थे दोस्तों। जलिप्ला नाथुला पास कहाँ पे है, ये सिक्किम में है, बहुत ही फेमस पास है ये, ओके। इन बिटवीन दिस थ्री पास देर इज अ रूट टिबेट टू टिबेट जाते हैं वाया दार्जिलिंग और चुंबी वैली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्दर्न स्टेट इज ए गोचला पास इज लोकेटेड, ऑप्शन है सिक्किम। सो जलिप्ला होंदे या नाथुला रहेंदे या फिर गोयचला, ये सारे सिक्किम में ही आपको लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारा कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड्स की बात करते हैं। वेर इज द आइलैंड ऑफ नेत्रानी लोकेटेड दोस्तों, दैट इज ऑप्शन सी लक्षद्वीप। ओके, द आइलैंड ऑफ नेत्रानी सिचुएटेड ऑन लक्षद्वीप, इट इज अ स्मॉलेस्ट आइलैंड, सॉरी इट इज अ स्मॉल आइलैंड विच इज ऑल्सो नोन एज पीजीएल आइलैंड। यहाँ पे एक स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है आपको, विच आइलैंड इज नोन एज ए पीजीएल आइलैंड, नेत्रानी। इट इज लोकेटेड इन 10 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम मुद्रेश्वर टेम्पल टाउन, इट इज फेमस फॉर जय बगरमपल्ली टेम्पल। ओके, नेक्स्ट अमिडिव्यू एंड मिनिकॉय आर द पार्ट्स ऑफ इंडियन विच इंडियन टेरिटरी, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन इन द साउथ वेस्ट, इट इज लोकेटेड इन द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल द यूनियन टेरिटरीज। याद रख लीजिए, इट्स कैपिटल इज कवरेट्टी। लक्षद्वीप द ग्रुप हैज अ टोटल ऑफ 36 आइलैंड्स विद लाइफ एंड ओनली 10 आइलैंड्स है दोस्तों ह्यूमन सेटलमेंट्स, जहाँ पे सिर्फ 10 आइलैंड्स में ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलेगी। और अमिनीदीवी इज अ लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप। सो नेक्स्ट सब टॉपिक हमारा डेजर्ट्स के रिलेटेड। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डेजर्ट, ऑप्शन बी राजस्थान। ओके, ए लार्ज पार्ट ऑफ द डेजर्ट इज लोकेटेड इन कहाँ पे, राजस्थान में है दोस्तों। ओके, एंड द थर्ड डेजर्ट इज अ लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ इट्स इन राजस्थान दोस्तों। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया की बात करें तो ऑप्शन ए थर्ड डेजर्ट हो गया। थर्ड डेजर्ट डैश इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ऑप्शन बी राजस्थान। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रैकिश डेजर्ट रान ऑफ कच्छ इन विच इंडियन स्टेट इज सिचुएटेड, ऑप्शन बी गुजरात। रान ऑफ कच्छ वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रैकिश डेजर्ट इन द वर्ल्ड, लोकेटेड ऑन नॉर्थ टू द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ कच्छ डेजर्ट इन इंडिया स्टेट ऑफ गुजरात। रान ऑफ कच्छ कवर्स अबाउट 7,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए थर्ड डेजर्ट की बात करें। सॉरी दोस्तों,
सो कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे थार डेजर्ट नहीं है? ऑप्शन सी, थार डेजर्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. द डेजर्ट इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया एंड इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान. मोस्ट ऑफ इट पार्ट्स लाइज इन राजस्थान, बट थोड़े बहुत पार्ट्स इसके हरियाणा, पंजाब, गुजरात, सिंध और जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान के वहाँ पे भी है. एंड देर इज अ कोल्ड डेजर्ट इन लद्दाख हिमाचल प्रदेश, ओके, विच इज इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल. याद रखिए, द व्हाइट डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए गुजरात हो गया दोस्तों. व्हाइट डेजर्ट इज कॉल्ड रण ऑफ कच्छ, सिचुएटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात. द रीजन इज वेरी फेमस फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन. नेक्स्ट है लेक्स वाटरफॉल्स की बात करें. विच इंडियन वाटरफॉल हैज ए फोर डिफरेंट स्प्रिंग्स नेम राजा, रानी, रॉकेट एंड रोरर? ऑप्शन डी जॉक. द जॉक फॉल्स आल्सो नोन एज गर्सोपा फॉल्स इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ कर्नाटका. बहुत ही खूबसूरत जगह है, इनफैक्ट मैंने भी देखा है इसको. इट इज लोकेटेड इन द माउथ ऑफ द अरेबियन सी. इट हाइट इज 2053 मीटर्स एंड इज लोकेटेड इन श्रावती रिवर. जी हाँ दोस्तों, इट इज मेडअप ऑफ फोर स्मॉल फॉल्स, राजा, रानी, रॉकेट, रोरर. याद रख लीजिए, ओके, सारे फोर आर्स आप याद रख ले सकते हैं. राजा रानी तो आपको याद होगा ही, ओके, रॉकेट, रोरर. नेक्स्ट, दाल लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर. दाल लेक इज अ फेमस लेक सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. द लेक इज सराउंडेड बाय हिल्स इन थ्री डायरेक्शन. इट इज द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर. इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, लोकेटेड इन मणिपुर. सो मणिपुर में कौन सा लेक है दोस्तों? लोकतक लेक है दोस्तों, याद रख लीजिए, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ मणिपुर में है. ओके, इट इज फेमस फॉर फ्लोटिंग फ्लोरा एंड आइलैंड्स मेडअप ऑफ सॉइल नोन एज फुमड़ी. ओके, जो आइलैंड्स यहाँ पे बने हुए हैं, जो सॉइल्स है, उसका नाम क्या है? फुमड़ी है. इन दिस स्टेट केबल लेमजाओ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड. ये एंड इट इज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टैटिक क्वेश्चन बन गया आपको. ओके, केबल लेमजाओ इज ए ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, पूरे दुनिया में. इन विच स्टेट इज अ नैनीताल लेक लोकेटेड? ऑप्शन ए उत्तराखंड. दोस्तों नैनीताल लेक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. इन स्कंदापुराना इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऋषि सरोवर. ओके, एंड लेंथ ऑफ दिस लेक इज 1432 मीटर्स, विथ इज 445 एंड डेप्थ इज 27 मीटर्स. उमियाम लेक इज ऑल्सो नोन एज बारापानी लेक. इन विच स्टेट इज लोकेटेड? ऑप्शन सी मेघालय. दोस्तों उमियाम लेक इज रिजर्व बाय लोकेटेड इन शिलोंग, द कैपिटल ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बारापानी लेक. द आर्टिफिशियल लेक हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय इंटरसेप्टिंग द वाटर्स ऑफ उमियाम लेक कमिंग फ्रॉम सदरन खारी माउंटेन. नेक्स्ट, चित्राकूट फॉल्स ऑन द इंद्रावती रिवर, ऑफन रेफर टू नायगरा फॉल्स ऑफ इंडिया, इज लोकेटेड इन ऑप्शन बी छत्तीसगढ़. चित्राकूट फॉल्स इज लोकेटेड ऑन इंद्रावती रिवर. इट इज ऑल्सो नोन एज नायगरा फॉल्स ऑफ इंडिया. और ये कहाँ पे है चित्राकूट? ये आपको छत्तीसगढ़ में है दोस्तों. जॉक फॉल्स अगर पूछे तो कर्नाटक में है. ओके, द लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया. की बात करें तो उलार है, याद रख लीजिए. ओके, सो उलार लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया. इट इज लोकेटेड इन बंडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी. इट इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. और इसकी लेंथ अगर बात करें तो 16 किलोमीटर, विड्थ की बात करें तो 9.6 किलोमीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? की बात करें तो वो उलार है. जब एशिया में बड़ा हो तो ऑब्वियसली इंडिया में भी बड़ा होगा दोस्तों. ओके, और कहाँ पे है? बंडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उलार लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सिचुएट इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. एंड वेर इज अ कुंचिकल वाटरफॉल? कुंचिकल वाटरफॉल कहाँ पे है? ऑप्शन बी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. ये भी कर्नाटक में है, जैसे जॉक फॉल्स है वो भी कर्नाटक में. जॉक फॉल को क्या कहते हैं? गर्सोपा फॉल, वो भी याद रख लीजिएगा. कि उसकी जो हाइट है वो 445 मीटर से, और ये वराही रिवर में है. वही अगर जॉक फॉल देखें तो श्रावती रिवर में है. ओके, तो इसीलिए मैं कंपैरेटिव आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना है और मेरे साथ साथ ही आप जो है लेक्चर सुनते ही आपको याद हो जाए. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. चूज द वन विच इज डिफरेंट और ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शन बी सांबर लेक. सांबर लेक इज ए साल्ट वाटर लेक, वेल दाल, वुलार, वेम्बिनाड ये सारे फ्रेश वाटर लेक है. विच ऑफ दिस लेक इज फाउंड बाई फॉलिंग ऑफ ए लार्ज मीटियोर बॉडी ऑन द बसाल्टिक रॉक ऑफ डक्कन? दैट इज ऑप्शन ए लुनार लेक. महाराष्ट्र में है, राइट, जो कि बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है. एक मीटियोराइट गिरने की वजह से इस लेक का ऑरिजिन हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ए सलाइन सोडा लेक विच इज अफेक्टेड बाई द मीटियोराइट? की बात करें तो ऑप्शन ए लुनार लेक. चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लेशियर. ग्लेशियर इज फॉर्म्ड बाई ऑप्शन बी स्नो अक्यूमुलेशन. ग्लेशियर बिगैन टू फॉर्म व्हेन स्नो रिमाइंस इन द सेम एरिया ईयर राउंड, वेयर एनफ स्नो अक्यूमुलेट्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया? की बात करें तो ऑप्शन सी सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों. सियाचिन ग्लेशियर इज इंडियाज लार्जेस्ट ग्लेशियर. इट इज द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड वेयर इंडियन आर्मी हैज सैंक्शनड स्टेशन इन 1984. नेक्स्ट हमारा ड्रेनेज सिस्टम, थर्ड टॉपिक आ गया हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ द सन रिवर? ओके, दैट इज ऑप्शन डी अमरकंटक दोस्तों. ओके, रिवर द सन जो है रिवर, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम ए प्लेटू कॉल्ड अमरकंटक ऑफ माइकाल प्लेट माउंटेन. इट्स अदर नेम इज हिरन नावया. इट इज अ मेजर सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज 780 किलोमीटर्स दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? ऑप्शन डी मानस हो गया, इंपॉर्टेंट है. ओके, द गंगा रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द फोर रिवर सिस्टम्स इन इंडिया. द गंगा रिवर हैज मेनी ट्रिब्यूटरीज. नेक्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यमुना, सन, पुपुन, दामोदर. लेफ्ट बैंक देखें तो गोमटी, घाघर, घाघरा जो कहते हैं, गंडक या कोसी.
तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज है दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पूछा है, तो मानस जो है नहीं है ट्रिब्यूटरी. एंड विच ऑफ दिस रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, अभी अभी हमने पढ़ा. ओके ऑप्शन बी, मानस तो नहीं है, तुंगाभद्रा तो कृष्णा रिवर का है, ब्यास तो पूरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो गंदा ही होगा इसका. यमुना एंड गोमती रिवर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ऑप्शन डी गंगा दोस्तों. यहाँ देख लीजिए, यमुना गोमती रिवर जो है गंगा रिवर के हैं. द रामगंगा रिवर पासेस थ्रू विच नेशनल पार्क, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट. अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदला दिया गया है, आपको पता है नया नाम क्या रखा है, इसी रिवर पर रखा गया है रामगंगा. ओके सो इट इज फाउंडेड इन 1936 एज अ नेम ऑफ हाईली नेशनल पार्क, रामगंगा रिवर फ्लो दिस पार्क. झीलम चिनाब रवि व्यास सटलेज आर ऑल्सो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ऑप्शन ए इंडस. इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द चेम्यांगदुंग ग्लेशियर इन द मानसरोवर लेक इन टिबेट. इट इज 3180 किलोमीटर्स, इट इज लॉन्ग एंड वन ऑफ द मेजर रिवर्स इन द वर्ल्ड. ओके और इसके लेंथ की बात करें जो इंडिया के है 1050 मीटर है दोस्तों. ओके एंड फाइनली ये जाके ड्रेन होती है अरेबियन सी में, पासिंग थ्रू द पाकिस्तान सिंध, वहाँ पे कई सारे प्रोविंसेस में पास होकर जाती है. सटलेज व्यास रवि चिनाब झीलम एंड मेन ट्रिब्यूटरीज ऑन द लेफ्ट साइड, और मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑन द राइट साइड की बात करें शोएक काबुल खुर्रम गोमल दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेशन फ्रॉम द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन डी गोदावरी. द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया इज गोदावरी, इसे गंगा भी कहा जाता है, साउथ ऑफ गंगा. दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रिम्बक ऑफ नासिक, इट फ्लोज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स टू द ईस्टर्न घाट्स इन इंडिया. एंड द पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया आर गोदावरी कृष्णा, गोदावरी कृष्णा रिवर फॉर्म द कृष्णा व गोदावरी डेल्टा, इट इज द सेकंड हाईएस्ट डेल्टा इन इंडिया आफ्टर सुंदरबन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो ऑप्शन है गोदावरी, अभी मैंने आपको बताया. कोलेरू लेक इन द सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द डेल्टा ऑफ टू रिवर्स, सो विच ऑफ दिस टू रिवर्स की बात करें तो ऑप्शन बी गोदावरी और कृष्णा है दोस्तों. ओके कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश ऑन द डेल्टा ऑफ टू रिवर्स गोदावरी एंड कृष्णा, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक. विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स सेट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा बिफोर फॉलिंग इनटू इट्स ओन सी, ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र. गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा बिफोर फॉलिंग इनटू द सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. अगर साउथ की बात करें जो सेकंड मैंने पढ़ाया था आपको, ये गोदावरी और कृष्णा बनाते हैं दोस्तों. ओके दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ऑप्शन ए यमुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर. इन दिस ईयर 1911 दिल्ली वॉज मेड अप ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया, द सिटी ऑफ आगरा एंड मथुरा ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर. ओके यहाँ देखिए, नर्मदा एंड तापी आर फ्लोइंग टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, ऑप्शन बी वेस्ट डायरेक्शन. द रिवर नर्मदा तप्ती साबरमती एंड माही फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट, द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरखंटक पीक ऑफ माइखाल माउंटेन. ओके अमरखंटक एंड द तापी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द सतपुरा रेंज विच इज ऑल्सो कॉल्ड मुल्ता इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बोथ रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली एंड ड्रेन इन टू अरेबियन सी दोस्तों. इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम, दैट इज ऑप्शन ए हरिके डैम. हरिके डैम इंदिरा गांधी कैनाल इज अ मेन कैनाल ऑफ राजस्थान, इट्स ओल्ड नेम वॉज राजस्थान कैनाल. दिस कैनाल इज डिराइव फ्रॉम द हरिके डैम ऑन द सटलेज एंड द ब्यास रिवर. द कैनाल सप्लाई वाटर टू राजस्थान एंड पंजाब. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इन अरेबियन सी की बात करें तो ऑप्शन डी गंगा हो गया दोस्तों. नेवर रिवर्स नर्मदा साबरमती तापी फॉल इन अरेबियन सी, वेल गंगा रिवर फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल. अदर रिवर्स फॉलिंग टू अरेबियन सी और सिंधु पूर्णा माही एक्सेट्रा. सो द फॉलोइंग ऑफ विच रिवर स्प्रेड्स इन द सप्ता सिंधु रीजन एंड लैटर ड्राई अप्स की बात करें तो ऑप्शन सी सरस्वती. सरस्वती रिवर इज वन ऑफ द मेन रिवर मेंटेन इन मैथोलॉजिकल हिंदू टेक्स्ट एट द ऋग्वेदा. इन द वर्ड्स फ्रॉम द रिवर शुक्ता ऑफ द ऋग्वेदा, द रिवर सरस्वती इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लोइंग ईस्ट ऑफ यमुना. द वेस्ट ऑफ सटलेज इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट लाइक तांड्या जयमनी ब्राह्मणी, द रिवर सरस्वती डिस्क्राइब एज ए ड्राई इन द डेजर्ट. ठीक है, क्या मुझे बता सकते हैं रावी को जो है कौन से नाम से बुलाया जाता था ऋग्वेदा में? ओके दिस इज होमवर्क फॉर यू. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर नॉट ओरिजिनेट्स इन इंडिया, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द आइस स्ट्रीम कॉल्ड चेम्यांगुंदंग नियर मानसरोवर इन द साउथ ऑफ टिबेट, इट फ्लोज थ्रू टिबेट इंडिया एंड बांग्लादेश. इसको जैंगपू कहा जाता है टिबेट में, दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और लुहित दिलाओ कहा जाता है असम में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम से याद रख लीजिए नेम से. इन मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, केमिंग लोहित मानस तीस्ता सुबानशरी बारक, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके ट्रिब्यूटरीज हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू सूरत की बात करें तो ऑप्शन डी तप्ती हो गया दोस्तों. तप्ती ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, फ्लोज फ्रॉम मिडिल ऑफ द सतपुरा माउंटेन टू द वेस्ट एंड फॉल्स इन द अरेबियन सी क्रॉसिंग द प्लेस ऑफ महाराष्ट्र एंड सूरत. इन विच स्टेट शिप्रा रिवर लोकेटेड? ओके शिप्रा रिवर कौन से स्टेट पर लोकेटेड है? ऑप्शन
डी दोस्तों, शिप्रा रिवर इज ऑल्सो शिप्रा रिवर, यानी के हटा दिया गया यहाँ पे। इट इज फ्लो इन मध्य प्रदेश, ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द धार डिस्ट्रिक्ट एंड जॉइन द चंबल रिवर इन द मंडसौर डिस्ट्रिक्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ यूपी एमपी सॉरी एड्रेस द सिटी ऑफ उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द दिस रिवर। ओके, एवरी 12 ईयर्स द कुंभ मेला टेक्स प्लेस ईयर, याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके तट पे कौन सी सिटी रहती है वो भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टैटिक का पार्ट है, सिटी ऑफ उज्जैन याद रख लीजिए। इन विच डायरेक्शन चंबल बेतवा सन रिवर फ्लोइंग, ऑप्शन बी नॉर्थ, चंबल बेतवा सन रिवर फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन इंडिया, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर इन सेंट्रल इंडिया, इट्स ओरिजिनल फ्रॉम जनापाव हिल्स जो कि मध्य प्रदेश में, और ये जाके यमुना से ज्वाइन हो जाते हैं इन यूपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ऑप्शन सी गंगा है दोस्तों। इसके लेंथ अगर देखेंगे आप 2704 किलोमीटर से इन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में और फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। इसके ट्रिब्यूटरीज मैंने पहले भी पढ़ा है, महाकाली, कोसी, गंडक, घाघरा, यमुना, सोन जिसे कहा जाता है, या सन जो भी आपके, गोमती, रामगंगा, मानस नहीं है याद रख लीजिए। ओके, तुंगभद्रा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ऑप्शन ए कृष्णा, तुंगभद्रा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ऑफ कृष्णा, फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ कोर्स एंड जॉइंस रिवर कृष्णा इन द कर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मेरी बचपन गुजरा है, जहाँ पे मैंने पढ़ाई की है। ओके, तो हम लोग जाते थे, देखा करते थे तुंगभद्रा रिवर को। सो इन द रामायण एंड हैज मेंशनड एज ए पंपा, याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, रामायण में इसको पंपा बुलाया जाता है। इन विच स्टेट सावित्री रिवर लोकेटेड, ऑप्शन है महाराष्ट्र दोस्तों। सावित्री रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द महाबलेश्वर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड ड्रेन्स इन अरेबियन सी। ऑल्सो महाबलेश्वर इज अ सोर्स ऑफ फाइव रिवर्स, कृष्णा, कोयना, वियना, सावित्री एंड गायत्री। विच रिवर्स इन द फॉलोइंग पेट्स ऑफ द रिवर फ्लो इन द सदरन पार्ट्स, ये अगर आप देख रहे हैं ना, ये कौन से सदरन पार्ट्स में फ्लो कर रहे हैं, दैट इज ऑप्शन बी कावेरी एंड गोदावरी। कावेरी एंड गोदावरी रिवर्स इन द सदरन पार्ट्स इंडिया फ्लो बिकॉज कृष्णा रिवर इट मेन रिवर ऑफ साउथ इंडिया, इट ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेनियस महाबलेश्वर इन वेस्टर्न घाट्स। इसकी लेंथ 1400 किलोमीटर है एंड इट फ्लो साउथ ईस्ट एंड फॉल्स टू बे ऑफ बंगाल। ओके, तुंगाभद्रा, मूसी, भीमा इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। झेलम, चिनाब एंड द रवि आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन बी इंडस रिवर दोस्तों, कौन सा है, इंडस रिवर। इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फॉर्म ए वाइड ड्रेनेज सिस्टम। द इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द माउंट कैलाश लियर लेक मानसरोवर इन द टिबेट एंड गोज टू पाकिस्तान वाया जम्मू एंड कश्मीर। द रिवर मीट्स फ्रॉम द राइट साइड काबुल, खुर्रम, सटलेज, व्यास, रवि, चिनाब एंड झेलम दोस्तों। गोदावरी रिवर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट, ऑप्शन बी गुजरात। गोदावरी ऑब्वियसली ये त्रिंबकेश्वर प्लैटी साउथ में फ्लो होती है, राइट। सो इट फ्लोस इन फॉलोइंग नेशन, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। इन द कृष्णा रिवर डिस्प्यूट डैश इज नॉट ए पार्ट ऑफ, डैश इज नॉट ए पार्ट पूछ रहे, ऑप्शन बी तमिलनाडु। सो कृष्णा रिवर ओरिजिनेट नियर महाबलेश्वर, स्प्रेड ओवर 37 मीटर्स जस्ट नॉर्थ ऑफ महाबलेश्वर, इट ड्रेनेज एरियाज महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, त्रिवेणी संगम इन प्रयागराज इज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ हाउ मेनी रिवर्स, ऑप्शन बी थ्री रिवर्स दोस्तों। देर इज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती, कौन से तीन नदियाँ जो है मिलती हैं प्रयागराज में, तो गंगा, यमुना, सरस्वती। पीपल बिलीव दैट सरस्वती फ्लो इन एन इनविजिबल फॉर्म अंडर द करेंट्स ऑफ गंगा एंड यमुना, हेंस इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ए अंडरग्राउंड रिवर ऑफ त्रिवेणी संगम प्रयागराज की बात करें, तो अभी मैंने बताया आपको सरस्वती दोस्तों। सो परहिता रिवर विद द वाटर ऑफ पेनगंगा रिवर एंड वाइन गंगा रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, कौन सा है, वारधा है दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन ए। After entering the Bangladesh, by which name is the main branch of Ganga known? Option D, Padma River. In Bangladesh, known as Padma. In Bangladesh, the river Padma, Jamuna and Meghna form the old largest delta and falls into Bay of Bengal. Ganga is longest river in India. Kalandi River dash is another name of option C, Yamuna. Yamuna ko hum Kalandi River bhi kehte hain, dosto. Next, which of the following statement is not true about Indian rivers ki baat kare, to option C, Himalayan River constitute very small delta. So, which of the following river originates in the Tibet? Tibet में जो originate होती है उसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र है दोस्तों। ओके, गोदावरी त्रिंबकेश्वर हिल में होती है, महानदी सिहावा और ब्रह्मपुत्र बांसर लेक, सन जो है कमाटकंटक लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द निकनेम ऑफ द यारलुंग जैंगपो, ये भी ब्रह्मपुत्र ही है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर विथ एन इनलैंड ड्रेनेज की बात करें, तो ऑप्शन सी पेरियार। पेरियार इज नॉट ए इनलैंड ड्रेनेज रिवर, द रिवर फ्लोज आउट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन केरला एंड फ्लो वेस्ट इन टू द अरेबियन सी। पेरियार रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला विथ ए लेंथ ऑफ 244 किलोमीटर्स। The government of India has classified rivers in India as a major river, that is option D, 12. Okay, कितने major rivers हैं हमारे पास, 12 major rivers हैं। So which of the following rivers originate from the Western Ghats? Western Ghats से कौन से rivers originate होते हैं, तो option B, कृष्णा है दोस्तों। Okay, कृष्णा river originates
from the Mahabaleshwar mountain western ghat. The Ghagga river originates from the Shivalik mountain range of northwestern Himalayan state, while the Damodar river originates from the Chota Nagpur plateau and Sun river originates from the Michael mountain. Which river is known as the Saro of Bengal ki baat kare to option D bahut bar pucha hai, question important hai. Damodar river is known as the Saro of Bengal, which flow in West Bengal and Jharkhand before the completion of Damodar river valley project. Is दिस रिवर इज सार ऑफ बंगाल कहा जाता है दोस्तों. ओके एंड विच इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया की बात करें बिफोर द कंप्लीशन इसको सार ऑफ बंगाल कहा जाता था. ओके एंड विच इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया की बात करें तो ऑप्शन डी गोदावरी हो गया दोस्तों. ओके एंड विच रिवर इज नॉट फाउंड इन अरेबियन सी की बात करें तो गोदावरी है, क्योंकि इट ज्वाइंस क्या बोलते हैं बे ऑफ बंगाल दोस्तों. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सारो ऑफ उड़ीसा, याद रख लीजिए सारो ऑफ उड़ीसा. एंड जो इसके तट पे जो है संबलपुर कटक इन उड़ीसा सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट महानदी के रिवर के बारे में याद रख लीजिए. ओसो विच ऑफ दिस रिवर फ्लो थ्रू कटक की बात करें तो ऑप्शन ए महानदी. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर की बात करें तो चंबल, ये जो यमुना की ट्रिब्यूटरी इंडस की नहीं, और ये यमुना रिवर ये ओरिजिनेट होती है जनापाव हिल फ्रॉम द महाव एशियन नेम इज चरमनवती. ओके चंबल रिवर एशियन नेम चरमनवती कहा जाता था. विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया विच डज नॉट फ्लो इन द सी, ऑप्शन बी यमुना हो गया दोस्तों. यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इट्स लेंथ इज 1376 किलोमीटर. इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंस गंगा इन प्रयागराज. सो विच इज अ पार्ट ऑफ ऑरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर की बात करें ऑप्शन इन अमरकंटक. नर्मदा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर 1312 किलोमीटर्स इंडिया, फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फॉलिंग इन अरेबियन सी. इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक हिल्स ऑफ माइकल माउंटेन एंड फॉल्स इन द गल्फ ऑफ कामबत. इट फ्लोज इन रिफ्ट वैली एंड विंध्याचल इन द नॉर्थ एंड सतपुरा माउंटेन इन साउथ. इसके जो तवा कुनार बसना बयार ये मेजर ट्रिब्यूटरीज है. एंड नर्मदा रिवर फॉर्म्स ए लार्जेस्ट एस्टुरी इन इंडिया दोस्तों. एंड विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक की बात करें तो नर्मदा हो गया, अभी मैंने आपको बताया. एंड विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा, जैसे मैंने कहा कि साउथ की गंगा कहते हैं इसको, गोदावरी हो गया. ब्रह्मपुत्र रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट फ्लो थ्रू, दैट इज ऑप्शन डी नेपाल से ये पास नहीं होती है दोस्तों. ओके सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द साबरमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए राजस्थान से ओरिजिनेट होती है ये. एंड इट फ्लोज थ्रू अरवली रेंज. द रिवर फ्लोज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंटरिंग द स्टेट ऑफ गुजरात. फाइनली इट ड्रेन्स इट टू गल्फ ऑफ कामबा इन अरेबियन सी दोस्तों. नेक्स्ट हमारा रिवर वैली प्रोजेक्ट्स कौन से ये देख लेते हैं. सो राजगढ़ डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, ऑप्शन ए बेतवा दोस्तों. राजगढ़ डैम इज सिचुएटेड ऑन बेतवा रिवर एंड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डैम वॉज लेड बाय लेट श्रीमती इंदिरा गांधी इन 1971. द डैम इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एंड दिस कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट वाटर फ्रॉम द डैम. द मलमपूजा डैम इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, ऑप्शन सी पलाकाड दोस्तों. मलमपूजा डैम इज लोकेटेड द पलाकाड केरला इन साउथ इंडिया. ओके इट इज ऑन मलमपूजा रिवर एंड विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सेकंड लार्जेस्ट भारतपूजा रिवर इन केरला. भारतपूजा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उसको हम मलमपूजा कहते हैं. वहीं पर जो है इसका डैम बनाया गया है और कहाँ पे पलक्कड़ में. द उकाई डैम वॉज बिल्ट ऑन द रिवर, ऑप्शन ए तप्ती दोस्तों, याद देख लीजिए. द इकॉय डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन तप्ती रिवर, इट इज लोकेटेड इन सूरत डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट. इट वॉज बिल्ट इन 1972. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्क डैम इन इंडिया की बात करें तो ऑप्शन डी इदुक्की डैम. इदुक्की डैम इज अ ओल्ड थर्ड एंड फर्स्ट आर्क डैम इन एशिया. द इदुक्की डैम इज बिल्ट इन द परियार रिवर इन केरला. द डैम इज 554 फीट लॉन्ग. द तिपाईमुख डैम इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. तिपाईमुख डैम कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है दोस्तों, इन द स्टेट ऑफ मणिपुर. और ये बराक रिवर पे सिचुएटेड है. द पर्पज ऑफ दिस डैम इज फ्लड कंट्रोल ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेट इज बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर, दैट इज नागार्जुना सागर है दोस्तों. ओके जो कि लोकेटेड इन कृष्णा रिवर गुंटूर आंध्र प्रदेश. द फाउंडेशन ऑफ दिस डैम वॉज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955. इट इज नेम्ड आफ्टर बुद्धिस्ट स्कॉलर नागार्जुना. ऑन विच रिवर इज द धोला साधिया ब्रिज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी लोहित. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लीजिए. इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज धोला साधिया और भूपेन हजारिका सेतु इज बिल्ट ऑन लोहित रिवर. द ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. द ब्रिज कनेक्ट्स धोला इन आसाम टू साधिया इन अरुणाचल प्रदेश. द साधिया टाउन ऑफ आसाम, लोहित रिवर इन द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. इन विच स्टेट इज अ गांधी सागर डैम इज लोकेटेड, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश. गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में है जो कि मंडसौर डिस्ट्रिक्ट में आता है आपको. चंबल रिवर पर इसको बनाया गया है. ओके और दिस इज द फर्स्ट एंड मेन डैम ऑफ द एम्बिशियस मल्टीपर्पज चंबल रिवर प्रोजेक्ट दोस्तों. कालेश्वरम इज एन इरीगेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी तेलंगाना. ओके सो कालेश्वरम इज ए लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाई तेलंगाना गवर्नमेंट. अंडर दिस प्रोजेक्ट वाटर ऑफ गोदावरी रिवर विल बी लिफ्टेड. गोदावरी रिवर का जो पानी है वहाँ से लिया जाता है फ्रॉम मेडिगड्डा बैरेज टू सप्लाई वाटर टू करीमनगर निजामबाद वरंगल एंड मेदक डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना. रुकुड़ा मीडियम इरीगेशन डैम प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है दोस्तों, रुकुड़ा या रुकुड़ा जो भी आप कहें तो उड़ीसा में है.
रुकुरा मीडियम इरिगेशन डैम प्रोजेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, क्योंकि 2018 में क्या हुआ था, उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे नवीन पटनायक साहब, उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया था दोस्तों इन सुंदरगढ़। द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 300 करोड़, टोटल ऑफ 5,800 हेक्टार्स पे बनाया इरिगेट करने की बात की गई है इस डैम के जरिए से। द प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन द रकुड़ा रिवर इन द ब्राह्मणी एंड बैतरनी बेसिन एरिया। द रिहाद रिवर वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। रिहाद रिवर वैली प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन द रिहाद रिवर इन द सोनाभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। द फाउंडेशन ऑफ द स्टोन वॉज लेड ऑन 13th July 1954। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वेर इज कांदलेरू डैम लोकेटेड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। दोस्तों कांदलेरू डैम इज इरीगेशन प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन कांदलेरू रिवर इन रापुर मंडल ऑफ नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट। कांदलेरू रिवर के नाम पे ही इसका डैम का नाम रखा गया है, ओके, कांदलेरू रिवर पे बनाया गया है। कहाँ पे है ये? नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। और रिहाद वैली कहाँ पे? यूपी में है। कौन से रिवर पे? सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में रिहाद रिवर पे है। विच स्टेट इज अ पगलादिया डैम प्रोजेक्ट प्रेजेंट? ऑप्शन डी असम। ओके, पगलादिया डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द स्टेट ऑफ असम विद हाइट ऑफ 226.2 मीटर्स। नेक्स्ट, जयकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ऑप्शन सी गोदावरी। दोस्तों जयकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज अ रिवर वैली प्रोजेक्ट लोकेटेड इन द गोदावरी रिवर नियर जयकवाड़ी विलेज इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। द टोटल लेंथ ऑफ दिस डैम इज 10 किलोमीटर्स। ओके, ए रिजर्वायर इज फाउंड बिहाइंड द डैम विच इज कॉल्ड नथ सागर रिजर्वायर और ए 12 मेगावाट कैपेसिटी पावर हाउस हैज बीन इंस्टॉल ऑन दिस डैम। दोस्तों जयकवाड़ी प्रोजेक्ट विच इज द लार्जेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन विच रिवर? अभी अभी हमने पढ़ा कौन से रिवर पर सिचुएटेड है, ऑप्शन है गोदावरी रिवर। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा पुलिचिंताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ऑप्शन डी कृष्णा। पुलिचिंताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन कृष्णा रिवर इन नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। इसको स्टार्ट किया था पहली बार ब्रिटिश इंजीनियर कॉल्ट एलिस ने 1911 में दोस्तों, एंड उसके बाद थोड़ी दिन रुक गया था काम। अगेन इट वॉज स्टार्टेड बाई चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एन टी रामाराव। इन विच स्टेट इज अ बनसागर डैम सिचुएटेड? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बनसागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश दोस्तों, जो कि सोन नदी पे बनाया गया है। इट इज़ अ मल्टीपर्पज कैनाल प्रोजेक्ट ऑफ विंध्या रीजन। जितना भी विंध्या रीजन है वहाँ पे मल्टीपर्पज कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट है एंड इट कॉस्ट अराउंड 3,500 करोड़। याद रख लीजिए बनसागर डैम कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। अलमट्टी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ऑप्शन सी कृष्णा रिवर। ओके, तो ये भी कृष्णा रिवर हो गया, ये भी पुलचिंताला हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये भी कृष्णा रिवर हो गया। सब याद रख लीजिएगा, अलमट्टी डैम इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन कृष्णा रिवर इन विजयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इसकी हाइट 524.26 फीट है। 2005 में इसको बनाया गया और द डैम इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर इरीगेशन। अलमट्टी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर की बात करें तो कृष्णा रिवर। एंड विच इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया की बात करें तो ऑप्शन डी ग्रैंड अनिकुट। याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, ग्रैंड अनिकुट इज द ओल्डेस्ट डैम, जो कौन सी नदी पर बना है? कावेरी रिवर पर बना है दोस्तों। ओके, एंड ये चोला डायनेस्टी बने थे 1st century BC में। दिस डैम इज 329 मीटर्स लॉन्ग, 20 मीटर्स वाइड, एंड एरिया देखेंगे आप तो ये 146 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर कर रहा है। याद रख लीजिए ग्रैंड अनिकुट कौन किसने बनाया था? चोला डायनेस्टी ने बनाया था। ओके, 1st century BC में। कोयाना डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। कोयाना डैम इज बिल्ट ऑन रिवर कोयाना, सांगली एंड सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज लार्जेस्ट इन महाराष्ट्र, प्रोड्यूस 1960 मेगावाट पावर। हीराकुड डैम कोसे नदी पे बना हुआ है, ये सबको पता है, महानदी रिवर में बना हुआ है। महानदी के रिवर पे कटक है, ओके, तट पे वही है सिटी। एंड हीराकुड डैम, देर इज ह्यूज रिजर्वायर बिहाइंड द डैम। द डैम बिल्ट ऑन इन द ईयर 1957, लॉन्गेस्ट डैम भी माना जाता है दोस्तों। इन विच रिवर? हीराकुड डैम वॉज बिल्ट, महानदी हो गया। हीराकुड रिजर्वायर इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ऑप्शन सी महानदी। श्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट? ऑप्शन बी कर्नाटका, क्योंकि यहाँ पे ही तो ना श्रावती जॉक फॉल्स, जिसे हम गैरसुप्पा फॉल्स भी कहते हैं, यहीं पर। तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट फॉलोइंग रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑन सर्टन बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी की बात की तो ऑप्शन भी कृष्णा हो गया दोस्तों। ओके, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट इज अ रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया। द तुंगभद्रा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। द डैम बिल्ट ऑन दिस रिवर इज एट प्लेस कॉल्ड हॉस्पेट ऑफ कर्नाटका। कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम वॉज कंप्लीट इन 1953। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर हाउस रिलेटेड विद दामोदर वैली प्रोजेक्ट की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों, दुर्गापुर, चंद्रापुर और मैथॉन। याद रख लीजिए दामोदर वैली प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। इट एक्सटेंड्स टू झारखंड, वेस्ट बंगाल। इट इज डेवलप ऑन द बेस ऑफ टेनिस वैली प्रोजेक्ट, जो 1993 में यूनाइटेड स्टेट्स में था दोस्तों। और कोसी फ्लड कंट्रोल एंड इरीगेशन प्रोजेक्ट लोकेटेड इन ऑप्शन डी बिहार। कोसी प्रोजेक्ट इज अ पॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया नेपाल। कोसी रिवर नोन एज फॉर इट्स डिवास्टेटिंग फ्लड्स, सॉरी, एंड अग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन नेपाल इंडिया एंड गवर्नमेंट इन द ईयर 1954। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चंस है। सो मुंबई सिचुएटेड इन द साइडवे डायरेक्शन ड्यू टू विच हैवी रेन अकर्स हियर। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स के साइडवेज में है।
Mumbai is situated towards the west coast of Western Ghat. The monsoon wind lifts the fog of the Western Ghat and cool down due to heavy rains in Mumbai. While the eastern part of the Ghat, the rain shadow area receives less rainfall. Local storms are called mango showers, which help in cooking mango crop. इसे कहाँ पे होते हैं? केरला. Local storms in Kerala को क्या कहते हैं? हम mango splashes कहते हैं या mango showers भी कहा जाता है, जो कि mango को पकने में उनको cooking ripening में मदद करती है दोस्तों. The rainfall occurs due to mixing of warm winds and humid sea winds before the arrival of summer season. Loo is a type of option C heat wave. In northern India, hot and dry winds running in the northeast and west east direction in summer are called loo. These winds blow in the month of May and June. The temperatures goes up to 45 degrees in the time of heat. Okay. So winds coming from the winter in India dash causes a cold wave. That is option B, Himalaya, dosto. In winter of December, January in the northern plains of India, the wind blowing from east direction is called cold waves. Loo occurring during summer season flies towards which adjacent area? Option C, Rajasthan. Okay, northern India, the intense hot dry winds moving in the northeast and west east in the direction are called loo. Its origin from Rajasthan and flow towards adjacent area during summer season. Which state has a extreme climate? That is option A, Delhi. The climate of Delhi varies greatly between summer and winter temperature. Summer is very hot and very dry, whereas winter is very cold and foggy. Okay. And the southwest monsoon originated from option B, Indian Ocean. Southwest monsoon originated from Indian Ocean, okay, which lasts from June to September, and the monsoon originated from Indian Ocean. Next time, our topic, soils of India. दोस्तों. Soils of India की बात करें, the plain era of Ganga is dash, that is northern plain है दोस्तों ऑफ इंडिया, इज कवर्ड बाय अलिविलियल सॉइल. ओके, कौन से सॉइल से कवर हुआ है ये आपको पूछ रहा है. सो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय अलिविलियल सॉइल एंड नॉर्दर्न प्लेन बिटवीन हिमालयन माउंटेन एंड द सदर्न पेनिनसुलर प्लेटू लाइज अ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट प्लेन्स फॉर्म फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ द इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. इन द सॉइल क्रॉप्स लाइक पैडी, वीट, मेज, ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड पोटैटोस और गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. लैटरेट क्ले मेनली आर फाउंड इन विच स्टेट? ऑप्शन डी, कर्नाटका. लैटरेट सॉइल इज मेनली फाउंड इन केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा. लैटरेट सॉइल आर फाउंड इन वार्म ट्रॉपिकल रीजन वेयर देर इज ए हैवी रेनफॉल. द सॉइल इज एसिडिक. कॉफी, कैशू राइस, कॉटन, ये सारा कुछ यहाँ पे कल्टिवेट किया जाता है दोस्तों. फाउंड इन तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर एंड स्मॉल पार्ट ऑफ मेघालय. इट इज रेड इन कलर एंड नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. बहुत सारे लोग रेड सॉइल रख देते हैं, बट इसका आंसर है ऑप्शन सी, लेटराइट सॉइल. ओके, करेवा इज अ टाइप ऑफ सॉइल सिल्ट इज फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर है दोस्तों. ओके, करेवा इज अ टाइप ऑफ सॉइल सिल्ट फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? जम्मू कश्मीर. एंड ओल्ड अलिविलियल सॉइल इज ऑल्सो नोन एज? ऑप्शन ए, बंगर सॉइल कहा जाता था इसको. सैंड एंड पेबल आर फाउंड इन द सॉइल ऑफ बंगर. बंगर सॉइल इज फाउंड इन द हाई सोर्स ऑफ द प्लेन. कैश क्रॉप मोस्ट सुटेबल फॉर ब्लैक सॉइल, दैट इज ऑप्शन ए, कॉटन. Black soil is the most suitable for cash crop. Black soil is also known as Regur soil. The soil that is most suitable for cotton cultivation, cotton is also called white gold in India. Cotton crop is grown in India. Option C, black soil mein grow kiya jata hai. And what is called the black cotton soil? That is option B, regular soil, dosto. And what is the fragrance of soil generated immediately after the rains? After that is A, petrichor, jisa kehte hain. Okay, so option A, petrichor. The aroma of सॉइल जनरेटेड इमीडिएटली आफ्टर द रेन इज कॉल्ड पेट्रिकॉर कहते हैं. एक अच्छी खुशबू आती है ना, आपने देखा होगा, राइट? सो व्हाट इज अ, सुना होगा, सॉरी, मतलब फील किया होगा. द व्हाट इज द टर्म यूज टू रिफर द स्टडी ऑफ सॉइल की बात करें तो ऑप्शन ए, पेडोलॉजी है दोस्तों. द टर्म यूज टू स्टडी ऑफ सॉइल इज अर्थ साइंस, दैट इज पेडोलॉजी यूज किया जाता है. एंड क्या मुझे बता सकते हैं आपकी जियोलॉजी किसे यूज करते हैं? जियोलॉजी कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ओके, सो मोस्टली डिपॉजिटेड बाय द रिवर सी वेव्स बाय सैंड एंड सिल्ट की बात करें तो ऑप्शन बी, अलिविलियल सॉइल. अलिविलियल सॉइल डिप्रेशन विच इज कैरिड बाय फ्लोइंग रिवर वाटर एंड डिपॉजिटेड एल्सवेयर. अलिविलियल सॉइल्स आर ऑफन मेड अप ऑफ वेरिटी ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग सिल्ट, फाइन पार्टिकल्स एंड क्ले एंड लार्ज पार्टिकल ऑफ सैंड एंड ग्रेवल. डैश इज अ पेरेंट मटेरियल इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करें तो ऑप्शन सी, रॉक हो गया दोस्तों. सो रॉक्स आर द बेसिक मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल. द कोर्स मीडियम एंड द ऑर्गेनिक inorganic mixed particles on the top surface of the earth are called soil. The rock is usually found when the soil is removed from the top surface. The soil is called regular soil. किसे कहते हैं? Black soil को हम regular soil भी कहते हैं दोस्तों. It is formed by breaking up basalt rocks. It contains iron, aluminium, iron मेरे ख्याल से हो गया. It contains iron, aluminium, magnesium. Its black color is due to presence of titaniferous magnesite and fossils. Black soil is also known as option D, regular.
रेगुर सॉइल हम जिसे कहते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर द कलर ऑफ सॉइल बीइंग रेड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, दैट इज प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, रेड क्ले डिपॉजिट फाउंड इन प्लेटू एरियाज, दिस इंड्यूस मेटल एंड मिनरल्स इन विच आयरन एलिमेंट्स एल्यूमिनियम एंड लाइन आर फाउंड इन सफिशियंट क्वांटिटी, ये जो ऑक्सीडाइज होते हैं इसकी वजह से जो है आपको रेड कलर देखने को मिलता है दोस्तों। विच टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन, ऑप्शन ए अल्यूवियल सॉइल, द मोस्ट कॉमनली फाउंड सॉइल इज इन द ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन इज अल्यूवियल सॉइल, इट इज फॉर्म बाई डिपोजिशन थ्रू रिवर्स, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर लो इन दिस सॉइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीस्ट पोरस, ऑप्शन सी क्ले सॉइल, ओके सो मिनिमम पोरस सॉइल इज अ क्ले सॉइल, द डायमीटर ऑफ द सॉइल पार्टिकल साइज जो है लेस दैन आपको 0.022 mm होता है दोस्तों। नेक्स्ट 200 क्वेश्चन है हमारा, इट इज डिफिकल्ट टू कल्टिवेट रेड सॉइल बिकॉज इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी लो, रेड सॉइल इज डिफिकल्ट टू कल्टिवेट, आपने देखा होगा कई सारे शहरों में आपने यू नो जब भी आप घर बना रहे होंगे तो रेड सॉइल ज़्यादा देखने को मिलती है, तो अब जब भी बारिश पड़े तो पानी ऐसा है कि वैसा ही ऊपर जम जाता है, वो अब्जॉर्व नहीं कर सकता। इट इज़ फाउंड बाई डिजोल्यूशन ऑफ रिवेटेड एंड मेटामॉर्फिक रॉक, सॉइल इज इन रिच इन सिलिका एंड आयरन, इट इज सॉइल ऑफ एसिडिक नेचर, इट लैक्स इन नाइट्रोजन फॉस्फरस एंड ह्यूमस, इसीलिए हम इसको कल्टिवेट नहीं कर सकते रेड सॉइल में। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन इंडिया, विच स्टेट इज फेमस फॉर सैंडलवुड एनग्रेविंग की बात करें तो ऑप्शन डी कर्नाटका हो गया दोस्तों। इंडिया हैज़ हाईएस्ट पोजिशन द प्रोडक्शन ऑफ सैंडलवुड, इट इज ऑल्सो हैज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, और ये जो ट्री है ये आपको कर्नाटक में मिलते हैं दोस्तों, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। द ड्राई डिसीजस फॉरेस्ट एंड गिर की बात करें तो ऑप्शन बी गुजरात हो गया, ओके सो इन 1965 गिर नेशनल पार्क वॉज एस्टैब्लिश, दिस लोकेटेड इन द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है ये आपको पूछ सकते हैं, गुजरात में है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इसका गार्डन जो है 257 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है दोस्तों, ओके एंड इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई डिसीजस फॉरेस्ट सम मार्श आइलैंड ऑल्सो, स्पाइनी फॉरेस्ट आर फाउंड इन ऑप्शन बी राजस्थान, राजस्थान लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया, इट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, ओके एंड 60 सेंटीमीटर लेस रेनफॉल ड्यू टू इट्स वेस्टर्न पार्ट डेजर्ट, थॉर्न ट्रीज आर फाउंड एंड जैसे कि ज़ेरोफाइट्स, हैवथॉर्न, एकेशिया, कैक्टस ये सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द साइलेंट वैली ऑफ, ऑप्शन ए केरला, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको ज़्यादातर साइलेंट वैली ऑफ केरला में देखने को मिलते हैं जो कि नीलगिरीज हिल्स में है दोस्तों, इन पलाकड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला एंड विच इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इज ऑल्सो ए ओल्ड हेरिटेज साइट। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, रिसेंटली रिपोर्ट आई थी उसमें भी मध्य प्रदेश ही था, द स्टेट ऑफ हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ दोस्तों, ओके और वाइल परसेंटेज बेसिस की बात करें तो लक्षद्वीप 90% है, मिजोरम 85, अंडमान निकोबार 89 एंड अरुणाचल प्रदेश 79 दोस्तों। विच वुड इज यूज टू मेक ए क्रिकेट बैट, ऑप्शन बी विलो वुड, सो विलो वुड इज यूज टू मेक ए क्रिकेट बैट, इन द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस ट्री इज सैलिक्स अल्बा, ये आपको ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में मिलती है दोस्तों, ओके एंड रिसेंटली आई थिंक इसको GI टैग भी मिला था। एंड विच आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया की बात करें तो ऑप्शन है डिसीडियस फॉरेस्ट, द मोस्ट एक्सटेंसिव टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया आर डिसीडियस फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट विच ड्रॉप्स देयर लीव्स एट द बिगिनिंग ऑफ समर, दे आर कॉल्ड ऑटम और मानसून फॉरेस्ट, एंड वेर इज अ एनिमल नेम्ड हॉकलॉक गिबॉन फाउंड, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हॉकलॉक गिबॉन फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर के पास आपको देखने को मिलता है एंड डिहांग रिवर टू द ईस्ट, इट स्प्रेड ओवर 7 स्टेट्स जैसे AP, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, AP का मतलब अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, हॉकलॉक गिबॉन फाउंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री दोस्तों, एंड विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफी इन इंडिया की बात करें तो ऑप्शन सी कर्नाटक है, कौन सा है, कर्नाटक, सो मोस्ट ऑफ द कॉफी इन इंडिया ग्रोन इन साउथ ऑफ इंडिया विच कर्नाटक 71%, केरला 21% एंड तमिलनाडु 5% है। डैश इज ऑल्सो नोन एज अ स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया की बात करें तो हम किसे कहते हैं स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया को, दैट इज ऑप्शन बी केरला को कहते हैं दोस्तों, ओके सो साउथ इंडिया स्टेट ऑफ केरला इट इज ऑल्सो नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, वेल जयपुर इज ऑल्सो नोन एज गुलाबी नगरी ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन की बात करें तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों, द टॉप स्टेट्स इन प्रोड्यूसिंग द सोयाबीन पहले मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र आएगा, राजस्थान, कर्नाटका और आंध्रा भी जो है यू नो सोयाबीन बनाता है। अभी रिसेंटली नया सोयाबीन की जो है एक वेराइटी निकाली गई थी, क्या आप मुझे उसका नाम कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, रिसेंट है ये जो कि इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर्स के लिए, ओके तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटिंग क्रॉप की बात करें तो ऑप्शन डी मिलेट हो गया दोस्तों, मिलेट इज नॉट ए प्लांटिंग क्रॉप, द क्रॉप दैट कैन ऑब्टेन फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टर सोइंग इज कॉल्ड प्लांटिंग क्रॉप, सच एज कैश्यू, टी, कॉपन, पिस्टाचियो। सैफ्रॉन इज प्रोड्यूस मोस्टली इन ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, सैफ्रॉन इज कल्टिवेटेड इन किश्तवाड़ एंड पंपोर इन जम्मू कश्मीर, करेवा सॉइल फाउंड इन जम्मू कश्मीर सूटेबल फॉर
saffron cultivation. Which of the following state is the largest producer of saffron? That is option A, Jammu Kashmir. Okay, where is saffron produced on large scale की बात करें तो option C, Jammu Kashmir है. Which state of India is the leading producer of rubber की बात करें तो Kerala है दोस्तों. Okay, कई लोग यूपी रख के आ जाते हैं but Kerala. The state of Kerala has the highest production of rubber. The headquarters of rubber board of the country is also located in Kerala. और spice board भी Kerala में ही है दोस्तों. Which of the following is the kharif crop की बात करें तो option B, millet. Kharif crop require high temperature, the type of sowing and dry environment and the type of ripening in India. Which of the following is a kharif? Millet. They are sown in June, July, harvested in October. Kharif crops are paddy हो गया, maize हो गया, sorghum हो गया, millet हो गया, soyabean हो गया, सारा कुछ आता है. Which of the following is not a kharif crop? यहाँ देख लीजिए, कौन सा kharif crop नहीं है? That is option B, wheat. Wheat जो है रबी का crop होता है. Who is known as a golden fiber? Option सी दोस्तों, यहाँ जूट इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर. द फर्स्ट जूट फैक्ट्री एस्टैब्लिश इन 1855 एट द प्लेस कॉल्ड रिश्रा. मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज ऑफ दिस इंडस्ट्री आर इन वेस्ट बंगाल. एंड डैश इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर की बात करें तो ऑप्शन ए जूट हो गया दोस्तों. विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द जूट? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल. एंड डैश इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन की बात करें तो ये आपको गुजरात है दोस्तों. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गुजरात इज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन वाइल वेस्ट बंगाल इज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट. ओके, अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पे 60% ऑफ वर्ल्ड जूट प्रोड्यूस किया जाता है. एंड असम जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है दोस्तों. विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन की बात करें तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा द ऑर्डर ऑफ कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इज सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन देखें तो महाराष्ट्र है. वही अगर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी अगर पूछे तो असम है. वही अगर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट पूछे तो वेस्ट बंगाल है. एंड हु इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन पूछे तो गुजरात भी आ सकता है बट यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जो है बदल रहा है दोस्तों. ओके, महाराष्ट्र भी है. ओके, सो नागपुर इज फेमस फॉर ऑप्शन बी ऑरेंजेस के लिए फेमस है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ ऑरेंजेस. वट इज अनदर नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन? सो वट इज अनदर नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन की बात करें तो ऑप्शन सी झूम है दोस्तों. ओके, इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन द प्लॉट इज क्लीन बाय कटिंग एंड बर्निंग ट्री. द एश ऑफ द ट्री इज एडेड टू द सॉइल एंड क्रॉप लाइक मेज, पोटैटो एंड कोसावा. ओके, सो नेक्स्ट ऑल्फोंसो इज अ वेरायटी ऑफ विच फ्रूट? ऑप्शन बी मैंगो है दोस्तों. यहाँ देखिए ऑल्फोंसो स्पीसीज इज कॉल्ड ए किंग ऑफ मैंगो. द मैंगो इन महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज आपूस. एंड कर्नाटका में ये हा है ये आ है दोस्तों, आपूस. ऑल्फोंसो हैव बीन प्रोवाइडेड अ जीआई टैग. याद देख लीजिए ऑल्फोंसो कहाँ पे, ये आपको किंग ऑफ मैंगोस माना जाता है दोस्तों. याद देख लीजिए और इसको जीआई टैग भी दिया गया है. विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट की बात करें तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है दोस्तों. उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द कंट्री इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वीट बार्ली एंड शुगर केन. विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल. ओके, सो वेस्ट बंगाल मैंने बताया आपको लीडिंग प्रोड्यूसर राइस और जूट का है. आंध्र प्रदेश मेज और फ्रूट का है. केरला आपको नेचुरल रबर और ब्लैक पेपर का है. उत्तर प्रदेश वीट है और शुगर केन है दोस्तों. ओके, याद रख लीजिए. वेस्ट बंगाल क्या है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, राइस और जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर है. ओके, आंध्र प्रदेश आपको मेज और फ्रूट्स का है. और केरला की बात करें तो ये रबर तो हुई है ही है, उसके साथ साथ आपको ब्लैक पेपर. उत्तर प्रदेश आपको वीटा शुगर. उत्तर प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. ओके, सो डैश इज अ प्लांटेशन क्रॉप. ऑप्शन ए टी. विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग इन कॉफी प्रोडक्शन? ऑप्शन डी कर्नाटक दोस्तों. विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जवार की बात करें तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र. जवार जो महाराष्ट्र इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जवार इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जवार इन द वर्ल्ड इज यूनाइटेड स्टेट्स. विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? अगेन सेम उत्तर प्रदेश है दोस्तों. सेकेंड प्लेस पे आपको महाराष्ट्र आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज लेग्यूम की बात करें तो पल्सेस है. पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम ए लेग्यूम क्रॉप. इट इज इंक्लूडेड इन क्रॉप्स ग्रोन इन बोथ राबी खारिफ सीजन. रॉबी क्रॉप्स आर सोन इन सितंबर टू नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च टू अप्रैल दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेग्यूम क्रॉप? फिर से पल्सेस है. एंड इट इज अ मेजर क्रॉप ऑफ मेघालय की बात करें तो पाइनएप्पल है. याद रख लीजिए. सो मेघालय इज ए एग्रीकल्चर स्टेट. 80% ऑफ द पॉपुलेशन मेनली डिपेंड ऑन फार्मिंग. द सॉइल एंड क्लाइमेट हियर इज फेवरेबल फॉर गार्डनिंग पाइनएप्पल क्रॉप. पाइनएप्पल इज अ मेन क्रॉप. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर रॉ सिल्क की बात करें तो कर्नाटका. और कॉफी का भी कर्नाटक ही है दोस्तों. यहाँ देख लीजिए हाईएस्ट प्रोड्यूसर रॉ सिल्क. सिल्क फाइबर इज मेडअप ऑफ नेचुरल प्रोटीन. दिस फाइबर्स आर मेडअप ऑफ लार्वे ऑफ इंसेक्ट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एडिबल क्रॉप? ऑप्शन ए फाइबर क्रॉप्स. फाइबर क्रॉप्स आर नॉन एडिबल क्रॉप्स. फाइबर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर देयर फाइबर विच इज ट्रेडिशनली यूज फॉर मेकिंग पेपर क्लॉथ रोप सच एज जूट पेपर एंड कॉन्ट्रैक्शन. इन इंडिया विच क्रॉप हैज बीन ग्रोन इन द लार्जेस्ट एरिया विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड? सो इन इंडिया विच क्रॉप हैज बीन ग्रोन इन द लार्जेस्ट एरिया विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड से अगर कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन सी हो गया था. सो इंडिया इज अ लार्जेस्ट एरिया ऑफ वीट इन द वर्ल्ड. चाइना रैंक फर्स्ट एंड इंडिया सेकंड इन द राइस प्रोडक्शन. विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट की बात करें तो ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल हो गया. इंडिया लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा.
In which of the following Indian states saffron is mostly cultivated? Option A, Jammu Kashmir. Saffron is cultivated mostly in Jammu Kashmir. Is a fragrant plant whose floral stigma is called khaisar kaha jata hai, and kumkum of saffron or saffron hai dosto. Next, which crop is most cultivated in India ki baat kare to option D, rice hai. Rice is a most rice is the most important food crop. So rice is the most important food crop of our country. Our rice production ki baat kare is ensures the temperature ranging from 20 degrees to 80 degrees होना चाहिए, और इसको rainfall कितने होना चाहिए दोस्तों, 100 centimeter alluvial soil होना चाहिए, okay? And India is the second largest producer of rice in the world after China, दोस्तों. So which of the following is correct दोस्तों, देख लेते हैं. खरीफ crops और winter crops, रबी crops और monsoon crops, wheat is a रबी crop, okay? या mustard जो है खरीफ, कौन सा करेक्ट है ये आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन. सो वीट इज अ रबी क्रॉप, इट जनरली सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, ये याद रख लीजिएगा, ओके. एंड दिस क्रॉप्स रिक्वायर लो टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड ड्राई एंड हॉट एनवायरमेंट एट द टाइम ऑफ राइपनिंग. सो विच ऑफ द, ये कभी कभी टाइम पीरियड भी पूछ लेता है दोस्तों कि रॉबी जो है कौन से मंथ पे इसको डाला जाता है. सेप्टेम्बर से लेकर नवंबर तक याद रख लीजिए, और मार्च से लेकर अप्रैल तक इसका हार्वेस्टिंग की जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल है. वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो द लीड प्रोड्यूसर ऑफ द जूट, ओके, याद रख लीजिए. द मेन बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया इज टी एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशन 150 टू 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, जिसका टेम्परेचर लगभग आपको 24 टू 30 डिग्रीज होना चाहिए दोस्तों. असम का फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस आपको वेस्ट बंगाल. अगर यहाँ पे असम देता तो असम टिक करते हम. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मोस्टली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एट 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल. रबर दोस्तों, याद रखिए रबर को हम ग्रो किया जाता है. सो नेक्स्ट है, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया. ऑप्शन सी, वर्गेस क्यूरियन. सो एक मिनट, ओके. व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन द रिवर इन द ईयर 1970, ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड, ओके. सो वर्गेस क्यूरियन इज नोन एज अ फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया. हु इज अ पॉपुलर नोन एज अ फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, अगेन सेम डॉक्टर वर्गेस क्यूरियन. द मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द कंट्री, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 17.22% ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन. कौन है? मध्य प्रदेश, सॉरी यूपी है दोस्तों. अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2017-18, यूपी इज अ टॉप इन द मिल्क प्रोडक्शन विद 17%, फॉलोड बाई राजस्थान. केमिकल फर्टिलाइजर्स इंप्रूव ईट बट आफ्टर सम सीजन द ईल्ड मे रिड्यूस ड्यू टू लो सॉइल क्वालिटी. वट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी की बात करें तो ऑप्शन ए, कॉस्टिक लाइम है दोस्तों, ओके. ब्लैक रेवोल्यूशन एक किससे रिलेटेड है? ऑप्शन सी, पेट्रोलियम से रिलेटेड है. द फर्स्ट रेवोल्यूशन इन इंडिया इज कंसिडर टू बी द बिगिनिंग ऑफ द फ्री रेजोल्यूशन 1967. द ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द सेल्फ रिलायंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम. हु आर द पायोनियर्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट? कौन है? दैट इज ऑप्शन ए, गुरुचरण सिंह कलकत्त वॉज एन इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ पंजाब स्टेट फार्मर्स कमीशन इन द ईयर 2005. ही इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब. हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन है. एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इन द ईयर 1966. ही डेवलप हाइब्रिड सीड्स ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी वीट बाय मिक्सिंग वीट सीड्स ऑफ मेक्सिको विद डोमेस्टिक वेराइटीज ऑफ पंजाब. एम एस स्वामीनाथन इंडियन साइंटिस्ट प्लेड द लीड रोल इन ऑप्शन सी, ग्रीन रेवोल्यूशन. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनरल रिसोर्सेस इन इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज फेमस फॉर इट्स डायमंड इंडस्ट्री लोकेटेड इन स्टेट ऑफ गुजरात? दैट इज ऑप्शन डी, गुजरात, सूरत है. और सूरत कौन सी नदी पे बसा हुआ है, क्या मुझे बता सकते हैं आप? ये भी क्वेश्चन के लिए आपके लिए. सिंगरेणी कोल माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन बी, तेलंगाना दोस्तों. सिंगरेणी कोल माइन इज लोकेटेड इन तेलंगाना स्टेट, ओके. एंड झारखंड इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, याद रख लीजिए, फॉलोड बाय ओडिशा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन अबंडेंस इन डिग बॉय माइंस की बात करें, दैट इज ऑप्शन ए हो गया दोस्तों, पेट्रोलियम. डिगबॉय इज अ स्मॉल टाउन लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. यहाँ पे आपको पेट्रोलियम रिफाइनरीज बहुत सारे एस्टैब्लिश किए गए हैं. डिगबॉय इंडिया ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन विच स्टेट? दैट इज ऑप्शन बी, असम है दोस्तों. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज अंकलेश्वर इज फेमस पेट्रोलियम साइट इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड? दैट इज ऑप्शन डी, गुजरात है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ओके. सो अंकलेश्वर वॉज अ मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया लोकेटेड इन भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. ऑयल वॉज डिस्कवर्ड हियर इन 1958. विच ऑफ द फॉलोइंग बिट्स आर अबंडेंट इन बालाघाट माइंस की बात करें तो ऑप्शन डी, मैंगनीज हो गए. बालाघाट माइंस आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन सतपुरा रेंज एंड इट इज अ बालाघाट डिस्ट्रिक्ट. देर इज अबंडेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मैंगनीज मेटल फ्रॉम दिस माइन. भारवेली इज अ एशियाज लार्जेस्ट मैंगनीज माइन दोस्तों. मिनरल्स आर फाउंड इन मिर्जापुर एंड सोनभद्रा इन उत्तर प्रदेश. दैट इज ऑप्शन बी, मार्बल हो गया.
Marbles and other timber are found in Mirzapur and Sonabhadra district of UP. Following minerals are found in Mirzapur and Sonabhadra. ओके मिर्ज़ापुर में आपको लाइमस्टोन, बैराइट्स, एस्बेस्टॉस मिलता है. सोनभद्रा में आपको चाइना क्ले, लाइम स्टोन, कोल, ओके सिलिमिनेट, ये सारा कुछ देखने में वहाँ पे मिलता है. ए लार्ज ओर ऑफ जिप्सम एंड सिल्वर एक्सट्रैक्टेड इन इंडिया, दैट इज ऑप्शन बी राजस्थान. ओके कर्नाटक में गोल्ड आपको ज़्यादा मिलता है वहाँ पे, राजस्थान जिप्सम एंड सिल्वर. झारखंड कोल, सबसे बड़ा कोल माइन भी यहीं पे है. उड़ीसा आयरन एंड क्रोमाइट. बॉक्साइट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर एंड शिवराय हिल्स. हैज सर्फेस डिपॉजिट इन दिस एरिया, इट हैपेंड वेयर द सॉइल इज फाउंड लेटराइट. याद रखिए, जहाँ पे सॉइल लेटराइट होती है यहाँ पे आपको ज़्यादातर बॉक्साइट देखने को मिलता है दोस्तों. एंड विच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इट इज मेनली फाउंड इन रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर एंड शिवराय हिल्स दोस्तों. सो विच मिनरल इज फाउंड इन द बांडा, सोनभद्रा एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट. तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा है, ऑप्शन ये है दोस्तों, याद रख लीजिए. डोलोमाइट मिनरल इज फाउंड इन बांडा, सोनभद्रा, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट. इफ द अमाउंट ऑफ मैंगनीज इन लाइमस्टोन बिकम्स मोर देन 10%, इट इज कॉल्ड डोलोमाइट. लाइमस्टोन में ही अगर मैंगनीज का जो परसेंटेज है वो 10% से ज़्यादा हो जाए, ओके देन इट्स कॉल्ड डोलोमाइट. जाडुगुड़ा माइन इज फेमस फॉर ऑप्शन ए यूरानियम. ओके क्या हो गया यार, ओके ऑप्शन ए यूरानियम. जाडुगुड़ा इज ए यूरानियम माइन विच इज लोकेटेड इन द जाडुगुड़ा विलेज इन द ईस्टर्न सिंहभम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. द माइन हैज बीन इन द ऑपरेशन सिंस 1967 एंड द फर्स्ट यूरानियम माइन इन इंडिया. वेर इज इंडियाज फर्स्ट यूरानियम माइन, जाडुगुड़ा लोकेटेड, ऑप्शन सी झारखंड. एंड वेर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया की बात करें तो उड़ीसा है दोस्तों, ये भी पूछ सकता है आपको, इंपॉर्टेंट है. ओके द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया इज ओडिशा. कोलार माइंस ऑफ कर्नाटका स्टेटेड फॉर गोल्ड प्रोडक्शन. KGF मूवी आपने देखा है, KGF उसका पार्ट टू भी आ रहा है, कोलार गोल्ड फील्ड. सो मैंगनीज इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन कोर. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन अबंडेंस इन हजारीबाग माइंस की बात करें तो ऑप्शन है कॉपर. मध्य प्रदेश स्टेट इज अ मेजर स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉपर प्रोडक्शन एंड हियर 55% ऑफ द टोटल कॉपर इज प्रोड्यूस इन द कंट्री. रामगिरी इज अ फेमस फॉर अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में रामगिरी किसके लिए फेमस है, गोल्ड फील्ड के लिए फेमस है. आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग की बात करें तो ऑप्शन है खेतरी आयरन. खेतरी इज लोकेटेड इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ये कॉपर के लिए फेमस है दोस्तों, ना कि आयरन के लिए. द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ सैफ्रॉन आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा. राजस्थान इज नोन फॉर विच रिजर्वायर, दैट इज ऑप्शन ए कॉपर. अभी मैंने कहा ना आपको झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, सो राजस्थान इज नोन फॉर इज कॉपर रिजर्वायर. वाई लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन इज मध्य प्रदेश. चिल इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द दुनिया की बात करें तो चिल है. एंड वेर इज अ कोलार गोल्ड फील्ड लोकेटेड, ऑप्शन डी कर्नाटका. KGF जो मैंने अभी आपको बुलाया था, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का, ओके इन इंडिया. द गोल्ड माइंस इन द स्टेट आर लोकेटेड धारवाड़, हासन एंड रायचूर डिस्ट्रिक्ट. द स्टेट प्रोड्यूस 83.7% ऑफ गोल्ड इन इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस आर फाउंड इन अबंडेंस इन कर्नाटक की बात करें तो गोल्ड हो गया दोस्तों. इन विच स्टेट इज अ सिंहभूम माइन लिमिटेड, ये मैंने अभी आपको बताया था कि सिंहभूम माइन लिमिटेड कहाँ पे है ये. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी झारखंड. ओके एंड मिनरल्स लाइक क्रोमाइट, मैग्नेट, मैंगनीज आर फाउंड इन दिस डिस्ट्रिक्ट. हाउ मेनी गोल्ड फील्ड इन इंडिया की बात करें तो ऑप्शन सी 3 है. एक तो कोलार हुत्ती कर्नाटक में, अनंतपुर रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और हीरा बुदिनी है झारखंड में. क्रूड ऑयल इज डैश, ऑप्शन सी फ्लेवरलेस येलो और ब्लैक कलर्ड लिक्विड. ओके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फाउंड बिटवीन सेडिमेंट्री लेयर्स बिलो ग्राउंड लेवल और कॉल्ड ओके पेट्रोलियम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल इज येलो और ब्लैक फ्लेवरस लिक्विड. सो विच इज अ सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया की बात करें तो ऑप्शन है राजस्थान है दोस्तों. बम्बई हाईकोर्ट इज अ हाईएस्ट बम्बई हाई जो महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन द कंट्री एंड राजस्थान इज द सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इज आफ्टर बम्बई हाई, याद रख लीजिए. सो विच मिनरल इज प्रेजेंट इन मोनोसाइट्स एंड ऑप्शन ए थोरियम. इंडिया हैज़ द हाईएस्ट अक्यूमुलेटेड थोरियम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड एंड प्रोड्यूस 75% ऑफ द टोटल थोरियम इन द वर्ल्ड. थोरियम मोनोसाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सैंड इन इंडिया एंड मोनोसाइट इज मेनली फाउंड इन सैंड इन केरला, ऑल्सो इन झारखंड, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश. वेर इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ एशिया की बात करें तो ऑप्शन बी असम हो गया. एशियाज ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन इज लोकेटेड इन असम. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया मिनरल ऑयल वॉज ओनली एक्सावेटेड इन असम आफ्टर गुजरात एंड बॉम्बे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिन इज नोन फॉर हैविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ कोल डिपॉजिट, ऑप्शन बी दामोदर वैली. द मेजर कोल सेक्टर ऑफ गोंडवाना सिस्टम लाइस इन दामोदर वैली रीजन एंड विच इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हैज़ अ लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कोल रिजर्व एंड मोस्ट ऑफ द टोटल कोल प्रोडक्शन इंडिया फाउंड इन गोंडवाना रॉक्स दोस्तों. गोंडवाना रॉक्स दामोदर वैली में आपको ज़्यादातर कोल डिपॉजिट देखने को मिलते हैं. वे मीका इज फाउंड इन अबंडेंस इन विच स्टेट, ऑप्शन सी बिहार. इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द शीट प्रोडक्शन ऑफ मीका. आंध्र प्रदेश हैज़ हाइएस्ट स्टोरेज 41%, उसके बाद राजस्थान, उड़ीसा है दोस्तों. ओके एंड सो मयूरभंज माइन आर नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, ऑप्शन ए आयरन ओर. ओके मयूरभंज माइन इज नोन फॉर विच मेटल, दैट इज आयरन ओर.
So iron ore is mainly found in ancient Dharwad rocks in India. Odisha is a major iron ore producing state of India. Keonjhar, Bonai and Mayurbhanj district, all the major iron ore producing area occurs in the state. Mayurbhanj receives 20% of the country's iron ore. Okay. MS state is the oldest oil field in India located. Option B, Assam. The most important ancient oil field of India located in Assam Valley. Digboi is a small town located in northeastern part of Tinsukia district of Assam. The first refinery in Asia was started in 1901. Okay. Next, let's see. Ankleshwar and Kalol have two oil fields. Ki baat ke, that is option A, Gujarat. Ankleshwar and Kalol oil fields located in Gujarat. Ankleshwar is a 30 square kilometer Bharuch district of Gujarat and Kalol is located in Ahmedabad. So next topic is our major industries in India. Dosto. Muradabad is famous for its workmanship and handicraft industry all over the world, and Dash has made its own place of, that is option D, brass. Muradabad is a city in Uttar Pradesh which is situated in the bank of Ram Ganga River. Muradabad is famous for all over the world for its brass handicraft. It is also known as brass city. Bhi kaha jata hai, dosto, usko. So next, which city of UP is famous for industry of the glass bangles ki baat kare, to option D, Firozabad hai dosto. Kaun sa? Firozabad is a city in Uttar Pradesh which is famous for manufacturing of glass bangle, and it is also known as Suhag ki Nagari. So next, Isar Steel Limited located in Hazira in which state? Option B, Gujarat. Isar Steel Limited located in Hazira, Surat district of Gujarat. It is fully integrated carbon steel company. Saharanpur city of Uttar Pradesh is famous for which industry? That is option A, wood carving cottage industry. Dosto. Saharanpur is a city of Uttar Pradesh. It is famous for cotton textile, sugar processing. Because Saharanpur aapko UP mein hi aata hai, to UP sugar processing ke liye bahut hi famous hai, largest producer hai. Aur wood carving ke liye bhi famous hai dosto. How many leather factories in Karpun in Uttar Pradesh ki baat kare, kitne leather factories hai? That is option C dosto, more than 400 factories. Salem Steel. And Kanpur is a major industrial city of UP. The city is situated on the south bank of Ganga River. Yaad rakh lijiye. Okay. Aur Kanpur ka industrial capital bhi kaha jata hai. Salem Steel Plant is located at option C, Tamil Nadu. Okay. Salem jo hai ek shahar ka naam bhi hai Tamil Nadu mein. Okay. And I think yahan se 300 to 400 kilometers hoga Bangalore se. Aur ek historical places bhi hai wahan pe. Salem Steel is a specialized steel manufacturing unit of Steel Authority of India Limited in the जो कि स्टार्ट हुआ था 1982 में. इन विच स्टेट? बोकारो स्टील प्लांट लोकेटेड, ऑप्शन है झारखंड हो गया दोस्तों. अंडर द थर्ड फाइव ईयर प्लान विद द कोलैबोरेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ए स्टील प्लांट वाज सेट अप इन बोकारो झारखंड. यूपी वीवर्स फेमस इन एरिया ऑफ वर्सैलिटी ऑफ द वीविंग कार्पेट ऑफ एनी डिजाइन. दे आर ऑलवेज इन द ग्रेट डिमांड स्पेशली फॉर एशियन पर्शियन वीविंग. ओके. सो द वीवर्स ऑफ द मिर्जापुर रीजन इन अ नोटेड ऑफ देयर वर्सैलिटी ऑफ वीविंग कार्पेट्स, ऑलवेज अ ग्रेट डिमांड फॉर एशियन पर्शियन वीविंग कार्पेट मेड इन एशियन एंड मॉडर्न डिजाइन इन ए ग्रेट डिमांड इन द ग्लोबल मार्केट. So Dash, India's first coastline modern integrated steel plant will be there, Vizag steel plant. Okay. So Vizag steel plant. सो नेक्स्ट है हमारा इंडिया फर्स्ट कोस्टलाइन मॉडर्न इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है वाइजैक स्टील सिटी. इंडिया फर्स्ट ऑन शोर मॉडर्न इंटीग्रेटेड स्टील सिटी. इट इज एस्टैब्लिश इन 1982. इट इज ऑल्सो नोन एज विशाखापट्टनम प्लांट. दट इज लोकेटेड इन कोस्टल स्टेट ऑफ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश. ब्रास सिटी हैज बीन एस्टैब्लिश इन उत्तराखंड एंड डैश कुपी नियर मार्शाला की बात करें तो ऑप्शन सी अल्मोरा है. ओके. इन दिसंबर 2015 द फर्स्ट ब्रास सिटी ऑफ उत्तराखंड वाज एस्टैब्लिश इन मार्शाला अर्मोला अल्मोरा. सो डैश इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहा जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड अहमदाबाद गुजरात. मुंबई इज नोन एज कॉटन टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया है दोस्तों. ओके. कानपुर को हम मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहते हैं. अगर आपको पूछे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के बारे में तो अहमदाबाद, अगर नॉर्थ इंडिया के बारे में पूछे तो कौन है? कानपुर है. ओके. क्लियर. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट जूट मिल वॉज एस्टैब्लिश एट रिसरा इन ऑप्शन ए कोलकाता. So India's first jute factory opened in 1855 at the place called Risra near Kolkata. And jute production, India has a first rank. Jute production में India का rank अगर आपको पूछे तो हमारा rank है first, याद रख लीजिए दोस्तों. ओके. फर्स्ट जूट मिल वॉज एस्टैब्लिश एट रिसरा इन कोलकाता. इंडिया का पहला जूट फैक्ट्री ओपन किया गया था 1855 में, जो रिसरा नियर कोलकाता. जूट प्रोडक्शन इंडिया फर्स्ट रैंक.
सो विच स्टेट इसको बर्नपुर स्टील प्लांट इज लोकेटेड, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल दोस्तों, इसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील प्लांट इज प्लेस्ड इन बर्नपुर वेस्ट बंगाल, एस्टैब्लिश्ड इन 1980। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड लोकेटेड इन विच स्टेट, ऑप्शन सी राजस्थान। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन बारमर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन डिस्कवर इन इंडिया। मथुरा रिफाइनरी इज द ओनली रिफाइनरी उत्तर प्रदेश विच रैंक अमंग द चेन इंडियन ऑयल रिफाइनरीज इन कंट्री की बात की तो ऑप्शन सी। ओके, द ऑयल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश इज मथुरा रिफाइनरी, इट इज ओन्ड बाई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इट वॉज स्टार्ट इन द ईयर 1982। इसका रैंक देखेंगे तो सिक्स रैंक है इन द रिफाइनरी चेल ऑफ इंडियन ऑयल। मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल रिफाइनरी वॉज स्टार्ट इन 1982 विद द कैपेसिटी ऑफ 6.0 MMTPA टू मीट द डिमांड ऑफ डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। वॉट इज द रैंक ऑफ इट, दट इज ऑप्शन सी सिक्स। सो पानीपत रिफाइनरी बिलोंग टू ऑप्शन ए IOCL, पानीपत रिफाइनरी कम्स अंडर द IOCL, दिस रिफाइनरी लोकेटेड इन विलेज कॉल्ड बहोली इन पानीपत, जो कि 1988 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया जो भी आप कहें। तो पहला जो है लैंड ट्रांसपोर्ट है, वॉट आर द मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दट एक्सेलरेट द इंडियन इकोनॉमी, ऑप्शन सी रेलवेज। रेल ट्रांसपोर्ट इज अ मेजर अमॉन्ग द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दट गिव बूस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन रेलवेज में कितने जोन है दोस्तों, 18 जोन है, याद रख लीजिए। 18th जोन की बात करें, साउथ कोस्टल रेलवे जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एस्टैब्लिश किया गया। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडियन रेलवे अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवेज की बात करें तो फोर्थ रैंक है हमारा। ओके, सो एशिया में सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है और वर्ल्ड में फोर्थ है दोस्तों। ओके, उसके बाद पीर पंजल द रेलवे टनल इज लोकेटेड इन ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। सो पीर पंजल रेलवे टनल इज नोन एज बनिहाल रेलवे टनल, इट इज 11.2 किलोमीटर लॉन्ग, इट ओरिजिनेट फ्रॉम बनिहाल टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ब्रॉड गेज इन इंडिया हैज ए डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक्स, ऑप्शन ए 1676 mm। सो रेल गेज डिफाइंस द डिस्टेंस बिटवीन द इनर साइड ऑफ ओके नीड ऑफ टू पैरेलल लूप्स बेरिंग ट्रैक ऑफ रेलवे लाइन, नॉर्मली 5 feet 6 inches होता है, दैट इज 1676 mm। एट वेर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द ईस्ट कोस्ट रेलवे लोकेटेड, ऑप्शन बी भुवनेश्वर। वन ऑफ द ब्लू चिप जोन्स ऑफ द इंडियन रेलवे केम टू एक्जिस्ट इन द प्रेजेंट फॉर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2003। Since then, a new zonal railway headquarter has been functioning in Bhubaneswar, Orissa. So, which of the following place does not have a railway coach factory? That is option B, Kolkata. Kapurthala, Perambur, यहाँ पे, but Kolkata में नहीं है दोस्तों. Railway coach factory is not located in Kolkata and Kapurthala 1986 में इसको establish किया गया था. It's the second railway coach factory in Indian Railway. Where is headquarter of the West Central Railway? Option A, Jabalpur. The headquarter of the Western Central Railway is located in Jabalpur in the 1st April 2003. The Western Central Railway was renovated from Jabalpur and Bhopal Division of Central Railway Zone. Okay, recognized Kota Division of the Western Railway. So India's first bullet train is proposed to run between option B, Ahmedabad and Mumbai. So India's first bullet train is proposed to run between Ahmedabad and Mumbai, which will have a maximum speed of 325 km/h. Agreement signed between India and Japan. कहाँ से चलेगी? अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक चलेगी. Northern Rail Museum in India is located at option A, New Delhi. National Railway. सॉरी नॉट नॉर्दर्न, इसे नेशनल रेलवे म्यूजियम न्यू दिल्ली में है एंड इन द चाणक्यपुरी एरिया ऑफ न्यू दिल्ली। द इंडियन रेलवे इज अ सेंटर ऑफ द हेरिटेज, द नेशनल रेल म्यूजियम इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोमिनेंट रेलवे म्यूजियम दोस्तों। सो हेडक्वार्टर ऑफ द हुबली एट हुबली कर्नाटक स्टार्टेड यूजिंग ग्रीन फ्यूल बायोडीजल इन ट्रेन्स कमिंग अंडर दिस टेरिटरी, कौन सा ऑप्शन डी साउथ वेस्टर्न रेलवे दोस्तों। साउथ वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर एट हुबली लोकेटेड इन कर्नाटक है स्टार्टेड यूजिंग ग्रीन फ्यूल इन द ट्रेन अंडर इट्स ड्यूरेशन, अंडर दिस हुबली बेंगलुरु जन शताब्दी एक्सप्रेस द फर्स्ट ट्रेन यूजेस द बायोडीजल। इंडियन रेलवेज हैज इंट्रोड्यूस बायोडीजल लोकोमोटिव इन विच जोन, ऑप्शन बी साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेलवे मैस्कॉट ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन डी भोलू एलिफेंट। द मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवेज इज अ भोलू एलिफेंट, दिस इज अ सिंबल ऑफ एलिफेंट स्टैंडिंग लाइक ए ट्रेन गार्ड कैरिंग ए लैम्प इन हैंड एंड शोइंग ए ग्रीन सिग्नल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए। ये सभी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन को हम क्या कहते हैं, डेजर्ट सर्किट कहते हैं दोस्तों। डेजर्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडियन रेलवे एंड इंडियन कैटरिंग tourism cooperation. The goal of train is to promote the tourism in the districts in the desert cities of Rajasthan, Jaisalmer, Jodhpur and Jaipur. So which is the slowest train in India ki baat kare to option A Metropolitan Ooty or Nilgiri passenger 10 km/h. Its speed is so slow that people can easily climb in the moving train. So name the railway zone headquarter located in Jabalpur, मध्य प्रदेश, विच बिकम द फर्स्ट रेलवे जोन इंडियन रेलवे टू एलिमिनेट द अनमैन लेवल क्रॉसिंग की बात करें तो ऑप्शन बी है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। इंटरनेशनल टूरिस्ट बीरू फैसिलिटी ऑफ इंडियन रेलवे इज नॉट अवेलेबल, कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में नहीं है दोस्तों। ये जो बीरू है ये आपको कोलकाता, सिकंदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, आगरा में है बट तिरुवनंतपुरम में नहीं है। विच ऑफ दिस ट्रेन इंजन इज द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड इज अ वर्किंग स्टीम इंजन की बात करें तो ऑप्शन ए फेरी क्वीन। So the oldest working steam engine in the world is Fairy Queen. This engine was built in 1855. The Fairy Queen operated at a speed of 30 to 40 km/h. The name of this engine has also been recorded in the Guinness World Records.
India's longest distance train run between which station? Option C, Dibrugarh and Kanyakumari. The longest distance train run in India is between Kanyakumari to Dibrugarh. Iska total distance aapko 4286 kilometer hai. 4,286 kilometer, which is called by Vivek Express. Where is a diesel locomotive work located? Option C, Varanasi. Diesel locomotive work is located in Varanasi, UP. Its production unit is owned by Indian Railway that manufactures diesel electric locomotive and its spare parts. So, which are the longest rail tunnels in India? Option B, Pir Panjal Tunnel. India ka longest rail tunnel, agar aapko puche, wo Pir Panjal hai, ya bhi isko Banihal Rail Tunnel bhi kaha jata hai, jo ke 11 km long hai. It is located in the north of the Banihal town of Jammu and Kashmir. India rail network dash connects almost station 8,000 station. India ka railway connects hai, network 8,000 station ko connect karta hai. Dosto, largest employer bhi hai. Which of the following trains runs on the longest rail route in India ki baat kahe to option C Vivek Express. Abhi bataya na maine Dibrugarh se lekar Kanyakumari tak 4,286 kilometer tak chalta hai. Iska jo length agar aap baat karenge. Okay. So Vivek Express, in which year was the Indian Railway Board Act was passed? Kaun se year mein pass kiya gaya tha? Option A 1905. The Railway Board Act was formed in 1901 on the recommendation of Sir Thomas Roberts Sun Committee in relation to admission and work of railways. Mission speed is connected from which project? Option D, rail traffic. Dosto, okay, rail traffic. Clear. So mission speed is associated with the rail traffic project. It is announced in 2016-17 budget under the Ministry of Railway to increase the average speed of freight trains and passenger trains. Which of the following does not refer to the areas of the Indian Railway Zone? की बात के तो option D EWR है दोस्तों. So railway zone की बात के South East Central Railway Bilaspur, North Eastern Railway Gorakhpur, Eastern Coastal Railway ये आपको Bhubaneswar में है दोस्तों. Okay, water transport देख लेते हैं. Next means of transport. Which of the following is a maritime harbour in the Gulf of Kutch? की बात के तो option B Kandla है. Kandla port located in the Gulf of Kutch, Gujarat. It is the largest port to supply the northern India. It is a tidal port, याद रखिए, which has been declared free trade zone. Establishment of National Technology Center for Ports was recently laid in which city? Option D, Chennai. Important hai dosto. Under the Sagarmala project, which is a flagship program of the Ministry of Shipping, IIT. And Chennai laid the foundation stone of National Technology Center of the Ports. That is in Chennai. Which of the following port is a riverine port? Ki baat ke to option C, Kolkata hoga. Kolkata port is a natural riverine port. It is located on the left bank of the Hooghly River, 129 km north of Bay of Bengal. It is a sea-based port. It's called Diamond Harbour. Okay, the paddy and jute are the most exported from the port of Kolkata. नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा एयर ट्रांसपोर्ट. द हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इज लोकेटेड इन ऑप्शन डी विशाखापट्टनम. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडिया शिपयार्ड सेंटर लोकेटेड इन विशाखापट्टनम. द हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश बाय द स्किंडिया शिपयार्ड नेविगेशन कंपनी विद द नेम ऑफ स्किंडिया शिपयार्ड. इट्स फाउंडेशन वॉज लेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन 21 जून 1941 दोस्तों. Where is located the popular Gopinath Bardwala International Airport? की बात करें गुवाहाटी हो गया है, सभी लोगों को पता होगा. ओके, नेक्स्ट विस्तारा एयरलाइन इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच इंटरनेशनल एयरलाइंस विद द टाटा सन्स. की बात करें तो ऑप्शन डी सिंगापुर एयरलाइंस. विस्तारा इज अ डोमेस्टिक एयरलाइंस एंड इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा सन एंड सिंगापुर एयरलाइंस. इट हेडक्वार्टर लोकेट इन इंडिया एट सिटी ऑफ गुड़गांव. इट स्टार्टेड सर्विस विद द फर्स्ट इनॉग्रल फ्लाइट बिटवीन मुंबई टू दिल्ली, जो कि 2013 में एस्टैब्लिश किया गया था. Which Indian airport has become the busiest single runway of the old single runway? की बात करें तो ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट. दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज ऑपरेटेड बाय जीवीके ग्रुप एंड मुंबई. हैज बिकम द ओल्ड बिजनेस एयरपोर्ट इन द विद अ सिंगल रनवे फैसिलिटी. ओके, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली. वही राजीव गांधी अगर पूछे तो हैदराबाद. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड न्यू दिल्ली. इट इज फॉर्मली नोन एज पलम विमान एयरपोर्ट. इन द ईयर 1986 इट वॉज रीनेम्ड एज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. नेक्स्ट डैश हैज बिकम द फर्स्ट फॉरिन एयरलाइन टू लॉन्च द एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्रॉम श्रीनगर. ऑप्शन सी एयर एशिया दोस्तों. ओके, सो एयर एशिया हैज बिकम द फर्स्ट फॉरिन एयरलाइन टू स्टार्ट ऑपरेट फ्रॉम श्रीनगर जम्मू कश्मीर. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1993. इफ यू लैंड एट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देन यू आर इन देहरादून. देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में. ओके, सो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन देहरादून उत्तराखंड. एंड कैबिनेट ऑफ उत्तराखंड हैज डिसाइडेड टू नेम दिस एयरपोर्ट आफ्टर द नेम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी. इफ यू लैंड एट द वीर सावरकर एयरपोर्ट देन यू आर इन कहाँ पे हैं आप? वीर सावरकर एयरपोर्ट आपको पोर्ट ब्लेयर में है. पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में. सिंपल. ओके, सो इट इज सिविलियन एयरपोर्ट नेम आफ्टर द फेमस फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर. द एयरपोर्ट इज कम्युनिटी नोन एज पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट भी कहते हैं. विच वर द वर्ल्ड फुल्ली पावर बाय द सोलर एनर्जी एयरपोर्ट की बात करें तो ऑप्शन है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली पावर बाय सोलर एनर्जी एयरपोर्ट इज कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. इट रिड्यूसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग दिस एयरपोर्ट. नेक्स्ट टाइम हमारा टॉपिक ट्राइब्स इन इंडिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्या दो क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही हैं दोस्तों. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ध्यान से लगा के सुनिएगा और अच्छे से याद कर लीजिए.
अकॉर्डिंग टू द करेंट डेटा विच ऑफ दिस ट्राइबल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कहते हैं, कोंकनी, भोजपुरी, गोंडी और मैथाली. द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गोंडी. द गोंड ट्राइब स्प्रेड अक्रॉस 13 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात, असम एंड छत्तीसगढ़. ओके, तो इनकी जो लैंग्वेज है वो गोंडी है दोस्तों, याद रख लीजिए. तो जैसा मैंने कहा कि आपको ट्राइब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, गोंडी ट्राइब्स के बारे में हमने पढ़ा, तो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं. लेट मी चेंज दिस कलर. ओके, सो पीपल ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू बिलोंग एंड बंगाल एंड सम पार्ट्स इन द बिहार वर इनहैबिटेड प्राइमरली दे लाइंड एज ए हंटर गैदरर्स. कहाँ पे? संथल बोलते हैं दोस्तों, संथल पीपल ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ बिहार वर इनहैबिटेड. ओके, एंड दे प्राइमरी लाइंड इन एज ए हंटर गैदरर्स. दे आर इन द मेजर ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया एंड दे प्राइमरी हैबिटेट झारखंड. ड्रिंकिंग, डांसिंग आर द पार्ट ऑफ द डेली लाइफ्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन, ओके, इज अ ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द तोड़ा ट्राइब. तोड़ा ट्राइब कहाँ पे है? ज़्यादातर आपको नीलगिरी हिल्स में देखने को मिलते हैं. दिस इज ओके. सो द पीपल ऑफ द तोड़ा ट्राइब लिव्स इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु. दे स्पीक तोड़ा लैंग्वेज विच इज अ लैंग्वेज ऑफ द ड्रेविडियन फैमिली एंड देर मेन ऑक्यूपेशन इज एनिमल हस्बेंड्री. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी रिसोर्सेज के लिए रिलेटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग पावर जनरेशन इज नॉट ए एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे की बात करें तो ऑप्शन ए थर्मल पावर हो गया दोस्तों. थर्मल पावर जनरेशन इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली. इन द थर्मल एनर्जी वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग द कोल, नेचुरल गैस, वुड्स एक्सेट्रा. इन विच सिटी इज अ कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड? ऑप्शन सी, तमिलनाडु. द कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड 650 किलोमीटर साउथ ऑफ चेन्नई इन द तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, इंडिया. इट इज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर ऑफ 2002. 1000 megawatt pressurized water reactor units are based on Russian technology. We are constructing the phase one of the project. Kundakulam Atomic Energy Plant is located कहाँ पे है दोस्तों? Tamil Nadu again same. Okay. So major research center देख लेते हैं. South Gangotri is a research base station established by Indian scientists. Where it is located? Option C, Antarctica. Okay. South Gangotri is a research base station established by Indian scientists which is located in Antarctica. And where is located the headquarter of Indian Council of Agriculture Research की बात करें तो option A, New Delhi दोस्तों. The headquarter of Indian Council of Agriculture Research is located in New Delhi. It is established in the year 1911 in Bihar. It was shifted to Delhi in 1929. The headquarter of the Tea Board of India is located in which city? Option B, Kolkata. The headquarter of Tea Board of India is located in Kolkata. The Tea Board is regulatory body of the government of India which monitors and controls the production of tea. Where is the headquarter of Coffee Board of India located? ये भी important है. Bangalore दोस्तों, कर्नाटक जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, तो इसका कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया बैंगलोर में ही. मैं एक्चुअली मैं जब ऑफिस जा रहा था रोज़ाना कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के सामने से ही जाना पड़ता है. बहुत ही अच्छी ऑफिस है इनका, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह. सो कॉफ़ी इज प्रोड्यूस मेनली इन द हिली एरियाज ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स विद कर्नाटका हैविंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, अबाउट 70% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया. द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म इन 1942, बेंगलुरु में है ये एंड इज ए ऑटोनमस बॉडी दोस्तों. एंड एट द एंड ऑफ 2015 हाउ मेनी रिसर्च स्टेशन वॉज एस्टैब्लिश एट अंटार्क्टिका बाय इंडिया? कितने हैं? तीन दोस्तों. अंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज अ कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस. द इंडियन स्टार्टेड इज फर्स्ट अंटार्क्टिका एक्सपीडिशन इन 1981-82 एंड इट वॉज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर सईद जहूर, जो कि 1982 में स्टार्ट किया था. इंडिया एस्टैब्लिश इज फर्स्ट रिसर्च सेंटर फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑन दिस कॉन्टिनेंट हैज दक्षिण गंगोत्री एट अंटार्क्टिका, बट द सेकंड वन इज मैत्री एंड थर्ड वन इज भारती दोस्तों. तीन इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छे से याद कर लीजिए. नेक्स्ट, इन विच, इन 2018 विच इज द लार्जेस्ट रिसर्च बेस्ड स्टेशन एस्टैब्लिश इन अंटार्क्टिका की बात की तो ऑप्शन सी, भारती. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज सिचुएटेड एट ऑप्शन बी, मुंबई दोस्तों. टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ द बेसिक रिसर्च इज लोकेटेड इन एक मिनट. ओके, सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक रिसर्च नेशनल अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट इज ऑल्सो एन यूनिवर्सिटी दट ऑफर्स अ पोस्ट ग्रेड एंड पीएचडी प्रोग्राम. दिस इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन मुंबई एंड इंडिया दोस्तों, याद रख लीजिए. ओके, सो नेक्स्ट है हमारा स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज की बात करते हैं. स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज की, वेरी इंपॉर्टेंट. सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्प्लिट डैश थ्रू डैश विच विड्थ इज 150 किलोमीटर. ऑप्शन बी, 10 डिग्री चैनल. ओके, द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान आइलैंड टू निकोबार. इट इज़ अ नैरो चैनल ऑफ वाटर बॉडी विद विड्थ अबाउट 150 किलोमीटर एंड लोकेटेड अलॉन्ग द 10 डिग्री लैटिट्यूड्स. ओके, मणिपुर इज अ इंडिया स्टेट विच इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री? ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्टर्न दोस्तों. मणिपुर इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ कंट्री एंड इट इज नोन एज अ सेवन सिस्टर स्टेट एंड द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल. नागालैंड, मिजोरम, असम आर द नाइबरिंग स्टेट ऑफ मणिपुर और लोकतक लेक जो है मणिपुर में सिचुएटेड है. इनका डांस अगर आप देखें तो मणिपुरी डांस है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट मीट द बाउंड्री विद द तेलंगाना? ऑप्शन बी, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़. ओके, सो तेलंगाना इज नियरली फॉर्म्ड स्टेट विच हैज़ बीन बाइफर्केटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश ऑन 2014. तो कर्नाटक होता है, महाराष्ट्र होता है, छत्तीसगढ़ होता है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा होता है, बट गुजरात नहीं होता है दोस्तों. सो नेक्स्ट, इन केरला डैश इज अ कोस्ट लाइन
with coconut tree with a beautiful backwater. Option B, Malabar. The coastal areas of Kerala are called the Malabar Coast. This coast is aligned with beautiful backwater coconut trees and the western coastal areas from Mumbai to Goa called Konkani Coastal. And easternmost coastal part of the southern country along with the Tamil Nadu is Coromandel Coast. Andhra Pradesh is a coastal state for India in which is situated in, that is option A, southeast. Andhra Pradesh is a coastal state which is located in the southeastern part of country, and the neighboring states of Andhra Pradesh are Odisha, Chhattisgarh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu. Big state is situated in the eastern part of Jharkhand. Ki baat ke to option B, West Bengal. Jharkhand was constituted in the 28th state of India on 15th November 2000. The capital of Jharkhand is Ranchi. Largest city is Jamshedpur. Official language of is Hindi hai dosto. The borders of Jharkhand touches UP, Bihar, Odisha, West Bengal and Chhattisgarh. Port Blair is located at South Andaman. Yaad rakhiye. Which Indian state shares the border with the most of the state? Option B, option D, sorry, Uttar Pradesh. Uttar Pradesh shares its border with the 9 Indian states and 1 Union Territory. क्या क्या है? बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी. सो विच ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया की बात करें तो ऑप्शन ए राजस्थान हो गया दोस्तों. बट द एरिया राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज रन 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर एंड देर आर 33 डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान एंड इट्स कैपिटल इज जयपुर दोस्तों. द मेजर लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया बाई एरिया वाइज इज राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश. Which of the states are not divided in the year 2000 AD की बात के तो option C महाराष्ट्र. In the year 2000 three new states were formed as Uttarakhand was formed from Uttar Pradesh, छत्तीसगढ़ को निकाला गया मध्य प्रदेश से और झारखंड को निकाला गया बिहार से, बट महाराष्ट्र से ऐसा कोई states form नहीं किया गया. Which is the capital of Nagaland की बात करें तो option B कोहिमा है दोस्तों. Okay, और 1963 में इसको फाउंड किया गया था, 16th रिपब्लिक स्टेट माना जाता है. एंड वेर इज द कैपिटल ऑफ दादर नगर हवेली की बात करें तो ऑप्शन सी सिलवासा है. दादर नगर हवेली सिलवासा, दमन एंड दीव दमन है, अभी दोनों को कंबाइन कर दिया गया. लक्षद्वीप कवरट्टी है, अंडमान निकोबार आइलैंड पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों. विच ऑफ दिस इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव की बात करें तो ऑप्शन ए दमन. द कैपिटल ऑफ मिजोरम की बात करें तो ऑप्शन बी आइजवाल है. ओके, आइजवाल में आपको लिंगपुई एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, आइजवाल में ही, ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. मिजोरम, आइजवाल, मेघालय, शिलोंग, मणिपुर, इम्फॉल, लक्षद्वीप, कवरट्टी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए क्वीन ऑफ अरेबियन सी, किसे कहते हैं? ऑप्शन सी कोच्चि और कोचिन, जैसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है. इट्स ए कॉस्मोपोलिटन इंडियन नेम ऑफ अरेबियन सी, सिंधु सागर, विच इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, लोकेटेड बिटवीन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड अरब रीजन दोस्तों, याद रख लीजिए. ओके, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ अरेबियन सी. ईरान, यमन, पाकिस्तान, ओमान, यूएई आर द मोस्ट प्रोमिनेंट. ओके, नेक्स्ट, चूज द ऑड फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग की बात की, ऑप्शन बी त्रिपुरा हो गया. त्रिपुरा इज अ स्टेट हुज कैपिटल इज अगरतला, वाइल कोहिमा इज अ कैपिटल ऑफ नागालैंड, शिलोंग इज अ कैपिटल ऑफ मेघालय. सो विच स्टेट वॉज फॉर्म इन 2014 की बात करें तो ऑप्शन ए तेलंगाना हो गया दोस्तों, याद रख लीजिए. ओके, सो ऑन 2nd June 2014 तेलंगाना वॉज फॉर्म एज अ न्यू स्टेट ऑफ इंडिया, हैदराबाद इज कैपिटल, तेलंगाना इज बाइफर्केटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश. डैश इज अ न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी अमरावती, कौन सा अमरावती. द करंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज हैदराबाद, विल रिमाइन द कैपिटल ऑफ बोथ आंध्र प्रदेश तेलंगाना फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉट एक्सिंग 10 years, एंड आफ्टर अमरावती विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश. विच इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश की बात करें तो ऑप्शन हैदराबाद, बट अभी चेंज हो चुका है अमरावती. अभी से 2014 ना, तो 10 साल टाइम दिया गया है, 2024 तक ये हैदराबाद ही रहेगा, बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अमरावती में एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं दोस्तों, तो अभी 2-3 साल में अमरावती बन जाएगा कैपिटल. सो विच इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ऑप्शन सी ईटानगर है दोस्तों. अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर, त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला, असम का कैपिटल दिसपुर. द समर कैपिटल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू इज इन ऑप्शन बी श्रीनगर. श्रीनगर इज अ समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड द विंटर कैपिटल इज जम्मू एंड श्रीनगर इज लाइज इन द कश्मीर वैली ऑन द बैंक ऑफ झीलम रिवर. सो नेक्स्ट, व्हाट इज अदर नेम ऑफ द लकाडिव सी की बात करें तो ऑप्शन सी लक्षद्वीप सी है दोस्तों. लकाडिव सी इज ऑल्सो नोन एज लक्षद्वीप सी, इट्स बॉर्डर इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स. लक्षद्वीप इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन ओशन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें तो अंडमान निकोबार है. अंडमान निकोबार आइलैंड इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, इट्स कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर, इट इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एंड वेयर एज लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी. विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड नॉट रिलेटेड टू द लक्षद्वीप, ऑप्शन सी नाइल है दोस्तों, याद रख लीजिए. नाइल इज द नेम ऑफ द रिवर विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड फ्लोस अक्रॉस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. नाइल इज नॉट रिलेटेड टू द लक्षद्वीप. सो विच इंडियन स्टेट शेयर इज बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स की बात करें तो ऑप्शन सी असम हो गया. इन द गिवन ऑप्शन असम शेयर्स इट बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स असम. ओके, विद त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. ओवरऑल उत्तर प्रदेश शेयर्स विद द मैक्सिमम स्टेट्स.
So which Indian city is known as the city of pearl? Because at one time it was told to be the only global center of large diamonds and natural pearl की बात करें तो ऑप्शन ए हैदराबाद होगा दोस्तों. ओके सो हैदराबाद इज अ कैपिटल ऑफ इंडियन आंध्र प्रदेश विच इज लोकेटेड बैंक ऑफ मूसा रिवर लाइंग ऑन द डेक्कन प्लेटू. इट्स अनदर नेम इज भाग्यनगर. ओके हैदराबाद एंड सिकंदराबाद दोनों को ट्विन सिटीज कहा जाता है. रिवर आइलैंड मजूली विच हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली डिस्ट्रिक्ट आइलैंड. ये कहाँ पे है मजूली आइलैंड आपको? ऑप्शन डी बे है दोस्तों. बिकम द फर्स्ट आइलैंड मजूली इट वॉज डिक्लेयर द 35th डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. वेर इज अ यूनिक एक्सपेरिमेंटल सिटी ऑरोविल लोकेटेड? ऑप्शन सी पुडुचेरी. द कैपिटल डैश पानाजी. ऑप्शन सी गोवा. द कैपिटल ऑफ गोवा इज पानाजी. गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया. गोवा इज नोन फॉर इज ब्यूटीफुल सी शोर, फेमस आर्किटेक्चर. ओके पहले जो पोर्चुगीज की कॉलोनी हुआ करती थी और 19 दिसंबर में अंडर ऑपरेशन विजय इसको लिबरेट किया गया दोस्तों. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? ऑप्शन सी कोहिमा. देखिए नागालैंड का कैपिटल कोहिमा. सिक्किम इज गैंगटॉक. मणिपुर इज इम्फॉल. असम इज डिसपुर. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? अगेन ऑप्शन ए कोहिमा. द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा अगरतला. ओके एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा? अगेन सेम क्वेश्चन अगरतला हो गया दोस्तों. इट इज अ स्मॉलेस्ट स्टेट ऑन द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश. ओके एंड द कैपिटल ऑफ झारखंड की बात करें तो ऑप्शन डी रांची हो गया. क्या है? रांची. द कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची. झारखंड इज फॉर्म इन द 15th November 2000. इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी. लार्जेस्ट सिटी जमशेदपुर है. द सिटी ऑफ झारखंड इज क्रिएटेड बाई डिवाइडिंग सदरन पार्ट ऑफ बिहार. डैश इज द कैपिटल ऑफ झारखंड. अगेन सेम रांची. वट इज द सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो धर्मशाला है. शिमला इज अ कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश. इन 1864 शिमला वॉज डिक्लेयर एज अ समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश स्टेट इन इंडिया. इन द ईयर 2017 धर्मशाला वॉज डिक्लेयर एज सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश. द लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान की बात करें तो ऑप्शन डी जयपुर हो गया दोस्तों. जयपुर इज नोन एज अ पिंक सिटी. इट इज द लार्जेस्ट सिटी एंड कैपिटल ऑफ राजस्थान. इट वॉज फाउंडेड महाराजा जय सिंह अजमेर 1917. इट इज अ फेमस टूरिंग प्लेस. हवा महल, ताजमहल एंड जंतर मंतर. डैश इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड की बात करें तो ऑप्शन सी उत्तराखंड. देहरादून द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड स्टेट नॉर्दर्न इंडिया. इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट इन द फूट हिल्स ऑफ हिमालय एट एलिवेशन ऑफ अबाउट 2200 फीट. एंड नेक्स्ट है हमारा डिसपुर इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? असम बहुत बार हमने पढ़ चुके हैं अभी. सो विच इज व्हाट इज द एरिया ऑफ गुजरात की बात करें तो ऑप्शन बी 196,024 स्क्वायर किलोमीटर्स. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस की बात है दोस्तों. और स्टेट का पॉपुलेशन की बात करें तो 6 करोड़ पॉपुलेशन है. एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दिस 308% पर स्क्वायर किलोमीटर. गुजरात इंडिया लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट है. सो व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान? दैट इज ऑप्शन सी जोंका. द नेशनल लैंग्वेज जोंका. द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द गॉलोप्स ऑफ वेस्टर्न भूटान. भूटान इज द स्मॉलेस्ट एंड इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ साउथ एशिया. सो विच इज अ कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन तमिलनाडु एंड श्रीलंका की बात करें तो तमिल बात किया जाता है. तमिल इज अ मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन तमिलनाडु एंड श्रीलंका. द रेजिडेंट्स ऑफ तमिलनाडु मेनली रिसाइड्स ऑन द आइलैंड ऑफ जफना. याद रखिए इंपॉर्टेंट इन श्रीलंका. हु स्पीक्स तमिल? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया इज निक नेम सिटी ऑफ जॉय? ऑप्शन ए कोलकाता. कोलकाता जो कि ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल माना जाता है. ईस्टर्न इंडियन सिटी होना चाहिए वहाँ पे. ईस्टर्न इंडियन सिटी ऑफ द वेस्ट बंगाल ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर. द बॉर्डर सिटी ऑफ कोलकाता इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ जॉय. कोलकाता इज ऑल्सो नोन एज गेट वे टू ईस्टर्न इंडिया ड्यू टू एक्सलेंस कंडीशन. विच स्टेट्स कैपिटल इज ईटानगर? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर. मणिपुर, इम्फाल, असम, डिसपुर, हरियाणा, चंडीगढ़. ईटानगर सिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑप्शन ए एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश है. जो कि बॉर्डर्स की बात करें असम उसके साउथ में आता है. नागालैंड उसके साउथ ईस्ट में है. म्यांमार से ये जो कंट्री से भी बॉर्डर करता है ईस्ट में. भूटान से भी बॉर्डर करता है वेस्ट में. और टिबेट से जो है नॉर्थ और चाइना टू द नॉर्थ ईस्ट. ओके सो नेक्स्ट है हमारा कोंकण मरतवाड़ा एंड विदर्भा रीजन आर लोकेटेड इन विच मॉडर्न इंडियन स्टेट्स की बात करें तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र दोस्तों. इफ यू अरेंज ए फाइव रीजन ऑफ द महाराष्ट्र कोंकण पुणे नासिक मरतवाड़ा एंड विदर्भा अलॉन्ग विद द 28 रिमेनिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया कोंकण रीजन वुड रैंक फोर्थ इन द लिस्ट. अमरावती नागपुर रीजन टुगेदर फॉर्म विदर्भा दोस्तों. ओके अमरावती और नागपुर को दोनों को मिलाकर हम विदर्भा कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिटी विलेज टाउन इन राजस्थान? ऑप्शन सी नवसरी. टोंग नगौर शिखर आर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. नवसरी जो है ये गुजरात का स्टेट है. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टूरिस्ट स्पॉट्स इन इंडियन मेजर सिटीज. विच इंडियन सिटी इज ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी? ऑप्शन ए जयपुर. ए रोमांटिक डस्टी पिंक ह्यू विच एज द सिटी सिंस 1876 आफ्टर इट वॉज पेंटेड पिंक टू वेलकम क्वीन विक्टोरियाज हस्बैंड प्रिंस अल्बर्ट गेव जयपुर इट स्टेटस पिंक सिटी. इट्स कॉमनली नोन एज विच सिटी इज नोन एज ए पिंक सिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए जयपुर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिल स्टेशन लोकेटेड इन राजस्थान की बात करें तो ऑप्शन सी माउंट अबू दोस्तों. पता है राजस्थान में भी हिल स्टेशन है आपको. कहाँ पे? माउंट अबू. एंड माउंट अबू इज द ओनली माउंटेन टाउन ऑफ द राजस्थान दोस्तों. सो इज अ ओनली माउंटेन ऑफ राजस्थान विद हाइट ऑफ 1220 meters अबव द सी लेवल. इट इज लोकेटेड अरावली माउंटेन रेंज. माउंट अबू इज अ मेजर पिलग्रिमेज साइट फॉर हिंदूज एंड जैनिज्म दोस्तों.
सो उड़गमंडलम इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन, दैट इज ऑप्शन डी ऊटी दोस्तों. उड़गमंडलम और ए ऊटी इज ए टूरिस्ट प्लेस जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है. बहुत लोग जो है कर्नाटक रख के आ जाते हैं, बट इट्स तमिलनाडु. क्लियर. एंड इज लोकेटेड नीलगिरी हिल्स बिकॉज ऑफ द बाउंड्री. इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वीन ऑफ हिल स्टेशन. ओके, ऑप्शन डी. नेक्स्ट डैश रिलीज सिटी लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान. ऑप्शन डी पुष्कर है दोस्तों. पुष्कर इज लोकेटेड इन अजमेर दारावाली रेंज वाली. इट इज वन ऑफ द मेजर पिलग्रिमेज साइट टुडे. द टेंपल ऑफ ब्रह्मा इज लोकेटेड हियर. इज द ओनली टेंपल ऑफ ब्रह्मा इन द वर्ल्ड. सो अनंतनाग इज अ सिटी लोकेटेड इन ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर. अनंतनाग इज सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर ऑन द लोकेटेड बैंक्स ऑफ झीलम रिवर. इट इज द लार्जेस्ट कमर्शियल सेंटर ऑफ कश्मीर वैली. अमरनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन अनंतनाग. ओके, याद रख लें. सो विच ऑफ सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ पर्ल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. सिटी ऑफ सो सिटी ऑफ पर्ल्स की बात करें, ये जो है आपको डी हैदराबाद में है दोस्तों. हैदराबाद इज कॉल्ड सिटी ऑफ पर्ल्स. सिटी ऑन द बैंक ऑफ मूसी रिवर इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना. इट इज कॉल्ड सिटी ऑफ निजाम. एंड फ्रॉम विच ऑफ द रिलीजियस सिटीज लोकेटेड द स्टेट ऑफ ओडिशा इन इंडिया. दट इज ऑप्शन बी पुरी. सो पुरी इज अ सिटी लोकेटेड द स्टेट ऑफ ओडिशा. एंड पुरी इज वन ऑफ द फोर होलीएस्ट प्लेसेस इंडिया. द टेंपल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ सुभद्रा बालभद्रा इज लोकेटेड हियर. विद रथ यात्रा इज टेकन आउट एवरी ईयर. एंड दिस टेंपल वॉज बिल्ड बाय अनंत बर्मन चोड़ांग्या इन द 12th सेंचुरी. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड ए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. दट इज ऑप्शन सी बैंगलुरु. बैंगलुरु इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बिकॉज द हेड क्वार्टर्स ऑफ द गूगल एपल एसेंचर इंटेल आईबीएम अडोब आर लोकेटेड हियर. बैंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका. इट इज द 7th लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए प्रिंसेस ऑफ हिल टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो ऑप्शन बी कोडाईकनाल. कोडाईकनाल इज ए हिल टाउन इन द सदर इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु. कोडाईकनाल इज रेफर टू एज प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन. द नेम ऑफ द तमिल लैंग्वेज मीन्स गिफ्ट ऑफ द फोर्सेस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैफलॉन्ग हिल्स स्टेशन इज इन विच इंडियन स्टेट. ऑप्शन डी असम. हैफलॉन्ग इज अ टाउन ऑफ हेड क्वार्टर्स ऑफ द दीमा लासो डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ असम. इट इज ओनली हिल स्टेशन ऑफ असम दोस्तों, याद रख लें. क्या है हैफलॉन्ग. मेजर सिटी लोकेटेड ऑन द रिवर्स बैंक. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद रख लीजिए. ओके, सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. जम्मू इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ दिस रिवर. ऑप्शन सी तावी रिवर. जम्मू इज अ विंटर कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन ट्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इट इज ऑल्सो रोन एज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स. एंड इट इज सिचुएट ऑन द साउथ ऑफ श्रीनगर ऑन द बैंक ऑफ तावी रिवर. सो हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर. मूसी, याद रख लीजिए. हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना. विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मूसी. एंड दक्कन प्लेटू मूसी रिवर इज ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ कृष्णा. मदुरई सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर की बात करें तो ऑप्शन सी वेगाई. ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, इवन एसएससी में भी पूछा है आपको. मदुरई जो है वेगाई में है. औरंगाबाद कोवम में है. तिरुचिरापल्ली कावेरी में है दोस्तों. और नेल्लोर जो है पेन्नार नदी पर सिचुएटेड है. दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मदुरई जो है वेगाई में सिचुएटेड है, वेगाई रिवर के तट पे. औरंगाबाद जो है कोवम के रिवर पे तट पे सिचुएटेड है. औरंगाबाद कोवम, याद रख लीजिए. तिरुचिरापल्ली कावेरी एंड नेल्लूर इज पेन्नार. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इनहैबिटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर. ऑप्शन डी अहमदाबाद. अहमदाबाद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर. विच इज द लार्जेस्ट सिटी लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात इन द वेस्टर्न इंडिया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. द कंकारिया लेक, हुती सिंह जैन टेम्पल, जामा मस्जिद, साबरमती आश्रम एक्सेट्रा आर फेमस टूरिस्ट प्लेसेस लोकेटेड. ओके, सो साबरमती पे कौन सा सिटी बसा हुआ है? अहमदाबाद. ओके, विच इंडियन सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर की बात करें तो ऑप्शन डी कोलकाता है. सभी लोगों को पता होगा कोलकाता, हुगली, कटक, महानदी. ओके, नेक्स्ट हमारा गैंगटॉक जो है रानीपुल रिवर. और चेन्नई जो है आपको कावेरी रिवर पर, अडियार रिवर, कावेरी अडियार रिवर पे है दोस्तों. ओके, नेक्स्ट हमारा आगरा सिचुएट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर की बात करें तो ऑप्शन बी यमुना है. आगरा सिचुएट ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. सेवरल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना लाइक ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी. द सिटी ऑफ आगरा वॉज सेटल बाय अलेक्जेंडर लोडिंग इन 1504. सिटी वॉज कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर 1526 टू 1685. एंड दे आर वेरियस मुगल पीरियड बिल्डिंग्स सच एज ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी. ये सारे जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आपको मेंशन है दोस्तों. ये सॉरी कोवम अडियार रिवर है दोस्तों. ओके, याद रख लीजिए. नेक्स्ट, आगरा सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच फॉलोइंग रिवर. ऑप्शन ए यमुना रिवर. कानपुर सिचुएट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गंगा. वेल अदर्स ऑप्शन सी गैंगस दोस्तों, याद रख लीजिए. इन्हें दे दिया. ओके, वेल अदर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर. देखिए बद्रीनाथ देखते हैं आप, अलकनंदा हो गया, दिल्ली आपको यमुना रिवर पर है, सूरत जो है आपको तापी पे है ये. ओके, श्रीनगर जो है झीलम में है, उज्जैन आपको शिप्रा, मैंने आपको बताया, लखनऊ गोमती पे है, कटक महानदी रिवर पे है, वाराणसी जो है गंगा पे है, और यू नो कानपुर भी गैंगस पे है, अहमदाबाद साबरमती अभी मैंने पढ़ा, कानपुर भी गंगा पे ही है. तो गंगा पे कौन से बसे हुए? एक तो वाराणसी हो गया, दूसरा कानपुर हो गया. ओके, एक दो हो गए गंगा पे, राइट. सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग
सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती की बात करें तो लखनऊ हो गया दोस्तों। जबलपुर सिचुएट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जबलपुर कौन से बैंक ऑफ रिवर पे, दैट इज ऑप्शन डी नर्मदा। नर्मदा सिचुएट ऑन द बैंक ऑफ, सॉरी जबलपुर इज सिचुएट ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज इन द स्टेट। देर इज अ मल्टीपर्पज बार्गी डैम प्रोजेक्ट ऑन नर्मदा रिवर। विजयवासा इज सिचुएट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ऑप्शन बी कृष्णा दोस्तों। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट नियर महाबलेश्वर इन सह्याद्रि एंड फ्लो थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा इज अ टाउन इन आंध्र प्रदेश लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। ओके, सो मिशलिनियस क्वेश्चन थोड़े बचे हैं, ये देख लेते हैं। हाउ मेनी बायो जोग्राफिकल जोन्स आर देर इन इंडिया, ऑप्शन डी 10। ओके, 10 बायो जोग्राफिकल जोन्स है हमारे इंडिया में, जैसे कि ट्रांस हिमालयस, हिमालय, इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न घाट्स, डक्कन पेनिनसुला, गैंगटिक प्लेन, कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, डक्कन पेनिनसुला एंड आइलैंड। ओके, सो इंडिया इज अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड की बात करें तो ऑप्शन बी सेकंड है दोस्तों। इंडिया इज अ सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विथ नियरली फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2019 डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट द पॉपुलेशन डेट। ओके, यहाँ पे आपको देख सकते हैं 130 करोड़ की आबादी है हमारे पास। उदयगिरी खांदागिरी केव्स आर लोकेटेड इन ऑप्शन डी उड़ीसा। खांदागिरी एंड उदयगिरी आर द टू हिल्स लोकेटेड नियर भुवनेश्वर सिटी इन उड़ीसा एंड द केव्स गॉट इट्स नेम फ्रॉम दिस हिल्स। बोथ ऑफ देम द एशियंट इंडियन कल्चर साइट्स हार्डली 150 टू 200 मीटर्स अपार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राम सेतु सिचुएटेड, कहाँ पे राम सेतु सिचुएटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी दोस्तों, यहाँ देखिए। राम सेतु इज ए कॉजवे दैट इज क्रिएटेड अक्रॉस द सी कनेक्टिंग पंबन आइलैंड इन तमिलनाडु टू द मन्नार आइलैंड इन श्रीलंका। साइंटिफिक स्टडी हैव डिटरमाइंड दैट पार्क स्ट्रेट इज अ नेचुरल ब्रिज फॉर्म्ड बाय द लाइमस्टोन शोल्स। तो फाइनली कहाँ पे सिचुएटेड है, ऑप्शन सी पार्क स्ट्रेट पे सिचुएटेड। नेक्स्ट हमारा मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम वॉज अ डैश प्रॉस्परस पार्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फेमस फॉर इट्स डैश वर्क, ऑप्शन ए कलमकारी। ओके, कलमकारी इज एग्जीक्यूट क्राफ्ट ऑफ द पेंटिंग एंड प्रिंटिंग फैब्रिक, इट डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द कलम मीनिंग पेन एंड द कारी मीनिंग वर्क, लिटरली पेन वर्क। इन आंध्र प्रदेश बोथ द मछलीपट्टनम एंड श्रीकालहस्ती विलेज आर रिकग्नाइज्ड एज अ मेजर सेंटर ऑफ कलमकारी पेंटिंग। चूज द ऑड वन, ऑप्शन बी सिलिकॉन वैली दोस्तों। सिलिकॉन वैली इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री ऑप्शन बिकॉज साइलेंट वैली केरला, इंडस वैली पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्दर्न इंडिया एंड दामोदर वैली जो वेस्ट बंगाल है। सिलिकॉन वैली, इसे बेंगलुरु को कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी ऑफ सिलिकॉन वैली जिसे कहते हैं। ओके, एक सिटी का नाम है, बट यहाँ पे सब सारे आपको साइलेंट वैली में ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, एक एरिया को बोलते हैं दोस्तों। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा अगरतला इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट की बात करें तो ऑप्शन डी त्रिपुरा। द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा अगरतला सिचुएट ऑन द बैंक ऑफ रिवर होरा क्लोज टू द बॉर्डर विद बांग्लादेश। त्रिपुरा इज अमॉन्ग द सेवन स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। जीरो माइल स्टोन वॉज फाउंडेड बाई ब्रिटिश हु यूजेज दिस पॉइंट टू मेजर ऑल डिस्टेंस, वेर इट इज, इट इज नागपुर। जीरो माइल स्टोन इज अ मॉन्यूमेंट लोकेटिंग द जोग्राफिकल सेंटर ऑफ कॉलोनियल इंडिया इन द सिटी ऑफ नागपुर महाराष्ट्र। द जीरो माइल स्टोन वॉज इरेक्टेड बाय द ब्रिटिश हु यूज द पॉइंट टू मेजर ऑल द डिस्टेंसेज दोस्तों। ओके, सो वहाँ से सारे डिस्टेंस मेजर किए जाते थे जिसको, ये नागपुर में है, जीरो माइलस्टोन कहा जाता है। इन इंडिया प्लेसेस लाइक चिरपुंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता हैव हाई लेवल्स ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर ऑफ सच प्लेसेस इज कॉल्ड, ऑप्शन डी ह्यूमिड। सो वेन देर इज अ हाई लेवल ऑफ ह्यूमिड इन द एयर द एटमॉस्फेयर इज ह्यूमिड, द ह्यूमिड एनवायरमेंट प्रिवेल्स इन द प्लेसेस लाइक चिरपुंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इन इंडिया। सो दिस इज द एंड ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी पार्ट ऑफ फ्रॉम यू नो आरआरबी 2021 जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर से सारा हमने कवर किया है। उसके बाद मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी आज ही अपलोड कर दूंगा सारे वीडियोस, ओके, ताकि आपको बैक टू बैक रिवीजन हो जाए। आई विल नॉट डिले एनी मोर बिकॉज बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है टॉपिक की वजह से। तो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट हमने सक्सेसफुली ख़त्म कर लिया है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी भी लेकर आऊँगा। कंबाइन कर सकता था बट लेंथी अगर हो जाए वीडियो तो आपको भी जो है पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि दोनों पार्ट्स में इसको लेकर आते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने हमको इतना प्यार दिया, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको रिकॉर्ड करके भी मैं अपलोड कर देता हूँ। आज ही सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, यू कैन रिवाइज इट। तो चलिए मिलता हूँ अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू सो मच।